हमारे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत मैं आप समय निकाल के भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर आपका। मैं नेपाल से हमारे बहुत तबले के विद्वान अच्युतराम भंडारी जी, जिनका बहुत योगदान है तबले के दुनिया में, मैं नेपाल से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप नेपाल के वरिष्ठ तबला वादक हैं पूरे देश में। नेपाल में आपने तबले का ध्वज फहराया है, खूब प्रचार प्रसार किया है। स्वागत है पंडित जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अच्युतराम जी भंडारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे खुशी है कि नेपाल यूनिवर्सिटी से काफी लोग जुड़ गए हैं और हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। हमारे संकाय प्रमुख साहब का इंतजार है। मैं प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन को प्रणाम करता हूँ। इतनी विदुषी, इतनी बड़ी विद्वान, जिनके इतना अच्छा वो हमने अभी व्याख्यान सुना कल, मैं बहुत अभिभूत हूँ। मैं प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। है वीडियो में है, मुझे दिख रही है वो PRO। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। आपका विद्वत्ता और आपकी वो आपका व्याख्यान से हम लोग बहुत प्रभावित हुए। कल आपका व्याख्यान सुन के बहुत आनंद आया मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका, आपको पसंद आया। तो बहुत बहुत प्रणाम मैडम, बहुत थैंक यू मैडम, थैंक यू। देखो राजेश, हाँ हमारे स्वागत है हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी का। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अब हम हमारे कार्यक्रम का व्याख्यान माला की आज धन्यवाद दू, दूसरी जी। दूसरी कड़ी है, इसका अब हम शुभारंभ करते हैं। हम आज के हमारे स्पीकर डॉक्टर पार्थ चक्रवर्ती जी, विभाग अध्यक्ष अवनद विभाग इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का विषय हमारा है चक्करदार के प्रकार और उनके रचना सिद्धांत। तो आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पार्थ चक्रवर्ती जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारे संकाय प्रमुख जी से निवेदन करते हैं कि आप दो शब्द से इस व्याख्यान माले की दूसरी कड़ी का शुभारंभ करें। मैं विनम्र निवेदन करता हूं हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी से। धन्यवाद प्रवीण जी। ये व्याख्यान माला आज उसका तीसरा सत्र चल रहा है। सुबह तंत्र वादन सितार पर व्याख्यान माला हुई। अभी कुछ देर पहले शास्त्र पक्ष को लेके वक्तव्य दिए गए और ज्ञानवर्धक बातें की गईं। अब स्वर हो गया, शास्त्र हो गया, अब ताल पक्ष। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि पूरे व्याख्यान में जो संगीत के मूलभूत तीन चीजें हैं, स्वर, लय, ताल, इसको हम जी लोग समाविष्ट करें। और साथ में लक्ष्य लक्षण की जब बात होती है तो शास्त्र भी साथ में आता है, तो इसको भी समाविष्ट करने का हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया है। मैं पूरे व्याख्यान, तीनों व्याख्यान माला को लेकर कह रहा हूं कि
इस तबला वाली व्याख्यान माला में प्रोफेसर प्रणव उद्धव ने भरपूर मेहनत की है और बड़े तन्मय होकर इसमें काम किया है, और इतने विद्वानों को देश भर के एक प्लेटफॉर्म पर संगीत संकाय के विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धन के लिए, और भी इससे खाली यहाँ इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं लाभान्वित होंगे, बल्कि पूरे देश के विद्यार्थी जो भी फेसबुक पर या अन्य माध्यमों से इसको सुन रहे होंगे वो जरूर लाभान्वित होंगे। और तबला, सितार और शास्त्र पक्ष, इसके पहले हम लोगों ने गायन में भी किया था। इस प्रकार हम लोगों ने किसी भी विधा को छोड़ने का प्रयत्न, माने ये रहता है कि कोई विधा छूट ना पाए। मैं प्रवीण जी को और वाद्य विभाग अध्यक्ष हमारी प्रोफेसर संगीता सिंह जी, जो पूरा दिन पिछली बार भी हमने कहा था बहुत ही एकदम मन से लगा के काम करती हैं, और किसी भी काम को जब वो ठानती हैं तो पूरा करने की कोशिश करती हैं, हम लोग उनके सहयोग में खड़े रहते हैं। मैं पूरे वाद्य विभाग को, मैं भी एक वाद्य विभाग का छोटा सदस्य हूँ, इसलिए वाद्य विभाग को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया है। इस ऐसे आपदा वाले काम में, आपदा वाले काल में संपदा, संगीत की संपदा को आपने इकट्ठा करके रख दिया है, और हम इसमें अगर कुछ सहभागी बन सके, कुछ सहयोग कर पाए, तो ये मेरा भाग्य था। मैं धन्य हुआ कि आपको मैं सहयोग कर पाया। मैं आज के मुख्य वक्ता जो हैं हमारे पार्थ जी, उनका बहुत ही दिल से स्वागत करता हूं। और इस सभा में हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम जो डिजिटल माध्यम है उससे बहुत करीब आ गए हैं। अब जो दूरी बनी थी बहुत कम हो गई है। जितने भी वक्ता, अतिथि वक्ता, माने पूरे विश्व के, कहें कि पूरे अपने भारत के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, संगीत शिक्षक, संगीत समीक्षक, सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम ऐसा काम कर पा रहे हैं आपके सहयोग से। मैं पुनः इस पूरे व्याख्यान माला को, मैं जो इसके सफलता के लिए कामना करता हूं, और पुनः प्रवीण उद्धव जी को और वाद्य विभाग अध्यक्ष को मैं इसका श्रेय देता हूं। और इस तकनीकी जो माध्यम से हम पहुंच रहे हैं, मैं बार बार इसलिए नाम लेता हूं कि मैं आपके माध्यम से कैसे पहुंच रहा हूं। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको हम लोग के साथ, जो तकनीकी में हम लोग थोड़े कम होते हैं, अधिकतर संगीतकार भाव वाले ज्यादा होते हैं, तकनीक में वो पिछड़े होते हैं, लेकिन हम लोग के सहयोगी के रूप में डॉक्टर अंजलि शर्मा जी हमारे विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और कुछ हमारे स्कॉलर जो लगे हुए हैं, नयन घोष, नयन जी और आशीष जी, ऐसे सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही मेहनत से इस कार्य को किया है। मैं इस पूरे व्याख्यान माला की सफलता के लिए पुनः कामना करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे इस महायज्ञ में आपका बहुत योगदान रहा है, ये सर्वविदित है। आप एक संकाय प्रमुख के पद पर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज खुली नहीं है। आवाज, हेलो, मैं आई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? चलिए, ठीक है। अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद लिए संचालन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संकाय प्रमुख का। हमेशा हर पग पग पर हमारा साथ रहा है। उन्होंने इस सारी संकल्पना के पीछे अपना बहुत योगदान दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आज के हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पार्थ चक्रवर्ती जी को आमंत्रित करने के पहले मैं उनको परिचय देना चाहूंगा। हमारे पार्थ चक्रवर्ती जी को मैं तो खैरागढ़ में एक साथ ज्वाइन किए थे।
तो मेरा पार्थ चक्रवर्ती जी से पुराना एक एक दिल का रिलेशन रहा है, मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह देखता हूँ हमेशा से, वैसे ही प्यार है। और मुझे एक उनके व्यक्तित्व में एक संत प्रवृत्ति दिखती है, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, मौन साधक हैं, बहुत सारी चीजें जब हम लोग उनको खोते हैं तब वो निकालते हैं, उनके अंदर एक चिंतन लगातार लय ताल को लेके चलता रहता है। और पार्थ जी जा रहा है, हमें ये थोड़ी सी समस्या इंटरनेट की जो आने जाने की थोड़ी सी समस्या हो रही है, उसके क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा बीच में इंटरनेट थोड़ा परेशान कर रहा है। तो पार्थ चक्रवर्ती जी का जन्म 9 अगस्त 1968 को हुआ और आप रमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आशीष आप सुन पा रहे हैं? आशीष जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो वहां से आवाज आवाज आ रही है। जी सर जी, तो पार्थ जी के परिचय में दे रहा था। पार्थ जी का हमारे बनारस से बहुत घनिष्ठ संबंध है। आपके गुरु पंडित छोटेलाल मिश्रा जी हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे, बहुत सीनियर मोस्ट गुरु रहे। तो मैं पार्थ जी को हमारे बीएचयू का एक परिवार के ही सदस्य के रूप में देखता हूँ। और पार्थ जी की शिक्षा पूरी तरह से बनारस में हुई है। हमारे बनारस घराने के प्रख्यात तबला वादक, तबला सम्राट पंडित कंठे महाराज जी के सुयोग्य शिष्य आशुतोष भट्टाचार्य जी के आप शागिर्द रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा आपके आशुतोष भट्टाचार्य जी से हुई और आपका बचपना यही बनारस में गुजरा है। आपकी अभी भी आपकी मुंशी यही रहती है। तो आपका शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई। आपने डॉक्टरेट तबले में डॉक्टरेट की है और आपने देश के विभिन्न शहरों में तबला एकल वादन और संगत की सफल प्रस्तुति दी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में विषय विशेषज्ञ के रूप में आपने अपनी भागीदारी दी है। आठ शोधार्थियों को शोध उपाधि आपके निर्देशन में प्राप्त हुई है और कई विद्यार्थी आपके निर्देशन में संस्कृति मंत्रालय की छात्रवृत्ति भी ले रहे हैं।
उनके कार्य बहुत बड़े हैं, उन्होंने निरंतर चिंतन किया है इस क्षेत्र में, तो मैं बहुत बहुत उनको आभारी हूँ उनका, उनको उन्होंने समय निकाल के हम लोगों के लिए अपने ज्ञान देने के लिए जो समय निकाला। और मैं हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी से हेलो मैं विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह से निवेदन करता हूँ कि वो दो शब्द आशीर्वाद बोलें और हमारे आज के विशेषज्ञ को सम्मानित करें। ये सम्मान पत्र हम उनको आज ई सम्मान पत्र प्रदान कर रहे हैं, फिर ये सम्मान पत्र विधिवत रूप से हम उनको डाक द्वारा तो मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रोफेसर संगीता सिंह जी से दो शब्द। आज के विद्वान पार्थ चक्रवर्ती जी को मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। आपको कोई शब्द नहीं है मेरे पास आपको धन्यवाद करने के लिए। विभाग की ओर से मैं आपको बहुत स्वागत करती हूँ, और प्रवीण सर ने जो मुझे व्याख्यान माला का यह सम्मान पत्र पढ़ने के लिए बोला है, मैं उसका वाचन करती हूँ आपको प्रणाम करते हुए। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा 28 जून से आज जुलाई 2020 तक आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रवाह माला में डॉक्टर पार्थ चक्रवर्ती ने अपने उत्कृष्ट ज्ञान वक्तव्य से संगीत जिज्ञासुओं को अभिसिंचित करेंगे। वाद्य विभाग आपके इस अमूल्य योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है, वह आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस आमंत्रण को स्वीकार किया, और आपका जो अनुभव है ज्ञान है से जरूर हम सब लाभ लेंगे। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर पार्थ चक्रवर्ती जी को कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। प्रवीण जी, हाँ जी, आपको आवाज आ रही? हाँ जी आ रही। अच्छा, आपके उधर से थोड़ा इको हो रहा है जब आप या शब्द साउंड बंद हो जाएगा ना, तो फिर ये समस्या दूर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं शुरू कर। हाँ जी स्वागत। हाँ नमस्कार, अखिल हिंदू विश्वविद्यालय प्रदर्शन एवं मंच कला संकाय के हमारे आदरणीय डीन साहब प्रोफेसर राजेश जी, विभागाध्यक्ष महोदया आदरणीय संगीता जी, और मेरे प्रिय डॉक्टर प्रवीण उद्धव, आप सभी को मैं सादर नमन करता हूं।
इस फैकल्टी के जितने भी सदस्य हैं सभी को मेरा सादर नमन, और इस वेबिनार के माध्यम से जितने गुरुजन आज जुड़े हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जो शोधार्थी हैं और जो विद्यार्थी हैं जिनके लिए ये भव्य आयोजन प्रवीण जी ने किया है और उनके फैकल्टी मेंबर्स ने, हम सभी को के लिए अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। प्रवीण जी आवाज ठीक आ रही? जो विषय हमें दिया गया है वो है चक्रधार रचनाओं के प्रकार और उनका सिद्धांत, माने कैसे उनकी निर्मिति होती है। एक तबले के विद्यार्थी होने के नाते आप हमें विद्यार्थी ही समझे, आप ये ना समझे कि वो विभागाध्यक्ष हैं और ये है, कुछ नहीं है, हम एक विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी के नाते आपको एक सामान्य रूप से ये बताएं कि तबले की दो प्रकार की बंदिशें होती हैं, एक विस्तारशील और एक अविस्तारशील, जिन पे आगे अविस्तारशील पे आज ही हमारे बाद विदुषी इंदु शर्मा जी का व्याख्यान है, और विस्तारशील पे शायद आखिरी दिन प्रोफेसर नीलू शर्मा जी का है। तो जो दो प्रकार की रचनाएं होती हैं, विस्तारशील और अविस्तारशील, विस्तारशील रचनाओं का आधार जो है वो तालखंड होता है, यानी भरी खाली के अनुसार उसकी निर्मिति होती है, और जो अविस्तारशील रचनाएं हैं उनके निर्मिति का आधार आवर्तन होता है। तो अविस्तारशील रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं हैं, जिनमें एक रचना है चक्रधार। चक्रधार एक ऐसी रचना जिसमें तीन पल्ले होते हैं, जैसा कि तिहाई में होता है। तो हम शायद तिहाई का ही एक विस्तृत रूप चक्रधार, अगर हम ऐसे इसको परिभाषित करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। अविस्तारशील रचनाओं में जो चक्रधार की बात है उसके भी तीन भेद होते हैं, एक साधारण चक्रधार, एक फरमाइशी चक्रधार और एक कमाली चक्रधार। इन तीनों रचनाओं को हम आवर्तन के आधार पर ही इनकी रचना हम करते हैं या निर्मिति करते हैं, जो कि एक गणितीय आधार पे इसको बनाया जाता है। तीन शब्द का बड़ा ही महत्व है हमारे संपूर्ण जीवन में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे दार्शनिक हो, चाहे रोजमर्रा की चीजें हो, चाहे ललित कलाएं हो, आप देखेंगे कि तीन का प्रयोग सब दूर होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनको ले लीजिए तो ये तीन है, शिव के त्रिनेत्र हैं तो वो तीन हैं, आप मंदिरों में आरती के समय शंख बजाया जा रहा है उसको तीन बार बजाने की परंपरा है, आप त्रिफला ले लीजिए बड़ा ही उपकारी आयुर्वेदिक औषधि है, उसमें भी तीन प्रकार के फल हैं। वैसे ही संगीत में भी तीन का बड़ा महत्व है। तीन इसलिए लिया जाता है, ये सामान्य रूप से संस्थागत शिक्षण प्रणाली में हम उसको इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि एक मत होता है, पहला पल्ला हो गया उसका, दूसरा जब उसका कोई समर्थन करता है तो वो दो पल्ले हो गए, और तीसरे में उस मत की पुष्टि होती है और वो प्रामाणिक बन जाता है। तो तीन के होने से किसी चीज की प्रामाणिकता सार्थक होती है। वैसे ही आपके तबले में या हमारे तबले में तिहाई जिसमें तीन है और उसकी एक विस्तृत रूप अगर हम कहें तो चक्रधार, और चक्रधार के भी तीन भेद हो रहे हैं संयोग से, साधारण चक्रधार, फरमाइशी चक्रधार और कमाली चक्रधार।
तो पहले हम साधारण चक्रधार की बात करें। एक विद्यार्थियों में एक संशय है, मुझे अभी भी दिख रहा है, लगभग 2 दशकों से हम अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, फिर भी बच्चों में एक भ्रम की स्थिति आती है कि वो चक्रधार तिहाई और साधारण चक्रधार इन दोनों में भेद नहीं करते। एक उदाहरण से स्पष्ट करूं, जैसे किसी कायदे की समाप्ति कर रहे हैं हम, धाटी धागे नधात्र कर धाटी धागे दिन नगी नधा धाटी धागे दिन नगी नधा धाटी धागे दिन नगी नधा, तो इसमें क्या हुआ, धाटी धागे नाधा त्रिकेट, इतना उसका जो भाग है उसको हम कहते हैं मुखड़ा, और फिर तिहाई आई। तो ये है साधारण चक्रधार, न कि चक्रधार तिहाई, जिसमें मुखड़ा प्लस तिहाई, मुखड़ा प्लस तिहाई, मुखड़ा प्लस तिहाई, कुल इस प्रकार से 3 पल्ले होंगे और इनमें तिहाई अंतर्निहित होता है। इसलिए तिहाई शब्द का अगर प्रयोग हम न करें तो ज्यादा सार्थक होगा कि क्या बजा रहे हैं आप या क्या पढ़न कर रहे हैं, तो साधारण चक्रधार जिसमें एक मुखड़े के साथ तिहाई आ रही है। और अगर आप मुखड़ा न लेते हुए सिर्फ तिहाई, जिसके स्वमेव 3 पल्ले होते हैं, उसको अगर आप 9 बार बजा रहे हैं, तब वो चक्रधार तिहाई या उसका दूसरा स्वरूप 9 होता है। तो साधारण चक्रधार एक ऐसी रचना है जिसमें मुखड़ा और मुखड़े के साथ तिहाई, इस तरह से उसके 3 पल्ले होंगे और वो एक निश्चित स्थान पर आके समाप्त होगी। तिहाई इसमें निश्चित होती है। अगर इसकी रचना की बात करें, मान ले हमें त्रिताल में एक साधारण चक्रधार बनानी है, तो पहले हमको तिहाई को निश्चित करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, हम ऐसा कर रहे हैं कि सपोज त्रिताल में आप 4 आवर्तन की एक चक्रधार की रचना की बात करते हैं, तो उसका एक पल्ला 21 मात्रे का बनता है और 1 मात्रे की विश्रांति आती है। अब उस 21 का हमको एक आनुपातिक रूप में लेना पड़ता है कि कितने मात्रे की मुखड़ा होगी और कितने मात्रे की उसकी तिहाई होगी। तो आप चाहें तो 10 मात्रे का मुखड़ा और 11 मात्रे की तिहाई ले, आप चाहें तो 12 मात्रे का मुखड़ा और 9 मात्रे की तिहाई ले। इस प्रकार से एक आनुपातिक रखने से उसका जो सौंदर्य पक्ष है वो भी परिलक्षित होता है। तो एक 4 आवर्तन की तिहाई चक्रधार रचना के लिए एक तिहाई पहले आप निश्चित कर लें। अब तिहाई निश्चित करने के बाद बाकी बचे बोलो मात्राओं में आप बोल को निश्चित करें। मान लीजिए आप अगर 10 मात्रे का बोल ले रहे हैं और 11 मात्रे की तिहाई ले रहे हैं, तो 10 मात्रे का बोल एक उदाहरण से दिखाएं, तिन तिन ना तक धिन दिन ना ना धिन दिन ना ना धिन दिन ना तिन दिन ना तक धिन धागे तटे तटे धागे तटे तटे धागे तटे गदी गना नागे तटे गदी गना नागे तटे किटे दे ता किटे दे तगे न तगे न धा किटे दे तगे न तगे न धा किटे दे तगे न तगे न धा आ धागे तटे। ये आप देखिए 10 मात्रे का मुखड़ा आया और 11 मात्रे की तिहाई है और बराबर ये 21 मात्रे तक आई और 1 मात्रे का दम दिया, तो ये 4 आवर्तन की बनी। इसके लिए बच्चों की सुविधा की दृष्टि से एक सूत्र का निर्माण किया गया है। ये ऑथेंटिक रूप से बहुत सारे लोगों ने इसके अपने अपने रूप में परिभाषित किया है, बच्चों की सुविधा के लिए हमने उसको ऐसा किया है कि ताल की मात्रा संख्या गुणित रचना की आवर्तन संख्या धन 1/3। तो ताल की मात्रा संख्या मान लीजिए आप त्रिताल में कर रहे हैं तो 16 गुणित 4 रचना की आवर्तन संख्या करते हैं 4, तो 64 + 1 किस चीज का है, तो जो 4 आवर्तन पूर्ण होने के बाद हमको सम पर आके समाप्त करनी है, तो उस सम को भी हम उसमें गिनती में लेते हैं, एक मात्रा वो, तो 16 + 64 और 1/65 / 3। 3 क्यों, क्योंकि चक्रधार रचना के 3 पल्ले होंगे, तो 3 से भाग देने पर आपकी 1 पल्ले की हिसाब
निकल कर आएगी। तो 65 होता है, 65 चूंकि 3 से विभाजित नहीं होता, अतः तो हम उसमें से 2 मात्रा घटा देंगे, तो अब हो गया वो 63। तो 63 को आप 21 3 से भाग देंगे तो 21 का एक पल्ला आएगा, यानी 21 मात्रे की पल्ला होगा, उसमें एक मात्रे की दम होगी, वो एक मात्रा वो है जो मैं 16 चौके 64 और 65 65 से पहले ही हमने 2 मात्रा कम किया था जिससे कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार अगर 4 आवर्तन में करना है तो 21 मात्रे का पल्ला बना और एक मात्रे का दम। वैसे ही अगर आप 5 करना चाहेंगे तो वो 16 पंजे 80 और 1 81 / 3 = 27, तो 27 का पल्ला आएगा और वो 5 आवर्तन का हो तो उसका भी आप आनुपातिक रूप से 12-15 या 15-12 का हिसाब कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एक बात स्पष्ट कर दूं कि हर चक्रदार रचना अगर 5 आवर्तन की है तो वो फरमाइशी चक्रदार होगी, ये अनिवार्यता नहीं, वो साधारण चक्रदार ही होगी, क्योंकि फरमाइशी चक्रदार की एक गणितीय विशेषता है जिस पे हम आगे आ रहे हैं। तो 5 आवर्तन होते से ही वो फरमाइशी होगी, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, और आप अलग अलग मात्राओं में अलग अलग आवर्तन में आप चक्रदार को इस प्रकार उस सूत्र के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य स्थिति है कि आप कितने मात्रे का बोल लेते हैं और कितने मात्रे की तिहाई होती है, और ये सैद्धांतिक रूप से इसकी रचना हुई और फिर उसमें वर्ण। चूंकि गणितीय रचना है इसलिए पहले आपका हिसाब क्लियर हो गया कि इतने का बोल और इतने की तिहाई, अब उसमें वर्णों का समावेश हो, ये एक सामान्य रूप है। अब साधारण चक्रधार का एक और रूप है कि आप किसी एक रचना को इम्प्रोवाइज करते हैं, अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो उपज की एक रचना है उसको चक्रदार बना लिया जाता है। उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे त्रिताल में एक साधारण टुकड़ा है, तिन तिन ना टकिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना टकिन धा धा दिन दिन ना ना त्रित टिकत 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 धा कत धा कत धा कत टिकत धा कत धा कत धा कत टिकत धा कत धा कत धा। ये एक साधारण टुकड़ा है। अब इसका विस्तार हम कैसे कर रहे हैं, तो धा धा दिन 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 ना 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 तिर 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 कत 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 धा कत धा कत धा कत कत धा कत धा कत धा कत कत धा कत धा कत धा धा धा। अब ये एक परंपरागत टुकड़ा है। अब आप इसमें अगर कहेंगे कि कितने मात्रे का बोल किया और कितने मात्रे की तिहाई कही, नहीं, इसको हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं कि इसको हम त्रिताल की रचना को हम किसी अन्य ताल में समायोजित कर सकते हैं या एडिटिंग करके उसको बजा सकते हैं। ये भी चक्रधार का एक स्वरूप, विशेष करके संस्थागत, उसमें कि हर रोज हर विद्यार्थी को अलग अलग तालों में देना है, बनाना है, या विद्यार्थी को नहीं बनाना है तो टीचर को बताना है, ऐसी स्थिति में इम्प्रोवाइजेशन बड़ा काम आ जाता है। एक स्थिति और बनती है कि एक ही चक्रधार रचना है जिसको गति परिवर्तन से आप 3 आवर्तन में और उसी को 4 आवर्तन में आप कर सकते हैं। देखिए चक्रधार में चूंकि 3 पल्ले हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि एक न्यूनतम 3 पल्ले में भी चक्रदार हो सकती है। एक उदाहरण से इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा तक दिन दिन दा 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 दिन 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 दा ना ना तिट 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 कत बिकट कत दादा किट दा तिट तिट कत दादा किट दा तिट तिट कत दादा किट दा दा दा। अभी 3-3 के छंद में जब आप इसको ले रहे हैं तब ये 4 आवर्तन में आ रहे हैं। अब रचना यथावत रहेगी, सिर्फ गति परिवर्तन होगी। अभी हम 3-3 के छंद में ले रहे थे लेकिन उसको अब हम बराबर में लेंगे,
धा 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 दिन 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 ना 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 तिट 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 कत धिकी टिकट दादा किट धा तिट तिट किट दादा किट धा तिट तिट किट दादा किट धा वन धा 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 ना 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 तिट 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 कत धिकी टिकट दादा किट धा तिट तिट किट दादा किट धा किट दादा किट धा वन टू धा 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 दिन ना 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 तिट 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 कत धिकी टिकट दादा किट धा तिट तिट किट दादा किट धा तिट तिट किट दादा किट धा। देखिए रचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ गति परिवर्तन से वही रचना एक बार तीन के आए उसमें आई और एक बार चार आवर्तन में आई। तो एक पर्टिकुलर निश्चित गणित करने से एक सीमा में बन जाते कि अच्छा ये इसमें इतने का बोल होगा और इतने की तिहाई होगी। और अगर आप इस प्रकार से कोई इम्प्रोवाइजेशन करते हैं तो आप बहुत सारे रचनाओं को बजा सकते हैं जो कि साधारण है, तो उसको चक्रधार बना लीजिए। एक उदाहरण इसका बताओ, बहुत कॉमन टुकड़ा है, तिन तिन ना तक धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना तिन तिन ना तक धिन गेंद्र पटकता के तिटक ता घेना धातु ना घेनतु न धातु न धातु न धातु ना कत घेनतु न धातु न धातु न धातु ना कत घेनतु न धातु न धातु न धातु ना धिन धिन ना तिन तिन ना तक धिन धिन ना ना। अब इसको अगर हम चक्रधार बनाएंगे तो हम पूरे नियम को फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसको अगर न्यूनतम चार आवर्तन में लाना है तो हमारे पास एक पल्ले का हिसाब बना हुआ है कि 21 मात्रे का एक पल्ला होगा और उसमें एक मात्रे का दम होगा। तो मूल रचना को हम यथावत रखते हुए सिर्फ तिहाई के स्वरूप को बदलते हैं। क्या स्वरूप बनता है देखिए, तिन तिन ना टक धिन धिन ना ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना टक गेंद्र कथा घे ना धातु ना घे ना तु ना धातु 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 ना गेंद्र कथा के। मूल रचना में कोई परिवर्तन नहीं किया, विद्यार्थी को बजाने में भी सुविधा, विद्यार्थी को समझने में भी सुविधा, सिर्फ तिहाई के स्वरूप को बदल रहे हैं और जो साधारण टुकड़ा है वो चक्रधार में परिवर्तित हो जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे साधारण टुकड़े को आप इम्प्रोवाइज करके चक्रधार बना सकते हैं। तिन तिन ना टक धिन धिन ना ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना टक ये दो आवर्तन में साधारण टुकड़ा बहुत ही कॉमन है। और चूंकि बीएचयू में वेबिनार हो रहा है तो थोड़ा बहुत गुरुजी को भी इसी माध्यम से स्मरण करते रहूंगा। तिन तिन ना टक धिन, अब इसी को देखिए क्या इम्प्रोवाइज किए कि ये चक्रधार हो गया। तिन तिन ना टक धिन धिन ना ना धिन धिन ना धिन धिन ना धिन धिन जो साधारण टुकड़ा है आप उसी को उसके स्वरूप में, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 21 मात्रे का अगर वो पल्ला है या पांच आवर्तन में है तो अगर 27 मात्रे का पल्ला है तो वो 27 पर ही खत्म हो या 21 पर ही खत्म। हमें एक पल्ले के हिसाब को अपने जहन में रख करके और तिहाई के स्वरूप को परिवर्तित करते हुए आप जितने भी आपको साधारण टुकड़े मालूम हैं उनको आप चक्रधार बना सकते हैं। यही स्थिति कमोबेश दीगर तालों में भी, अभी तक हम त्रिताल की बात कर रहे थे, यही स्थिति आप अन्य तालों में भी उसी फॉर्मूला के आधार पर या उसी सूत्र के आधार पर कर सकते हैं कि ताल की मात्रा संख्या गुणित रचना की आवर्तन संख्या धन एक भागे तीन। और ये जो सूत्र है ये चाहे साधारण चक्रधार हो, चाहे आपके फरमाइशी चक्रधार हो, चाहे कमाली चक्रधार हो, ये सूत्र हर जगह आप लागू कर सकते हैं। जहां तक दीगर तालों की बात है उसमें भी किसी रचना को आप चक्रधार के रूप में बना सकते हैं, या अगर मात्रा संख्या के आधार पर देखें तो ऑटोमेटिकली बने बनाए होता है, आपको सिर्फ उसको समझ लेना है।
एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। त्रिताल में जो साधारण टुकड़ा है, सपोज अभी हमने पढ़ा, हम उसको फिर से पढ़ देते हैं। दिन दिन नाथ दिन दिन नाना दिन दिन नाना दिन दिन ना दिन दिन नाथ धाधा दिन दिन नाना तिरत टिकत 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 धाकत 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 टिकत धाकत 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 टिकत धाकत धाकत धा। ये त्रिताल में साधारण टुकड़ा है। अब जब आप इसकी गणित को देखते हैं या कुल मात्रा संख्या को देखते हैं तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसको हम चक्रदार बनाकर झपताल में बहुत आराम से बजा सकते हैं। धिन ना चक धिन कधिन धिन ना तिन ना कधिन कधिन ना धाधा धिन धिन ना ना तिर तिर कत 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 धा कत धा कत धा कत कत धा कत धा कत धा कत कत धा कत धा कत धा। ये आ गया। आप इसको अगर लय के हिसाब से देखें तो जैसे मान लीजिए 17 मात्रा में आ रही है तो ठीक है, 17 51 51 और झपताल के उसमें 10 5 50 ये 5 आवर्तन में आ जाएगी और बराबर ये झपताल में चक्रदार होगा। तो विद्यार्थियों को इन चीजों को भी थोड़ा सा देखते रहना चाहिए कि अच्छा, हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर गुरु जी वो झपताल में चक्रदार है और अभी तो हम सिर्फ त्रिताल ही सीखे हैं। तो भाई त्रिताल के टुकड़े को 3 बार बजाओ ना, आप कोशिश तो करो। गुरु जी ने कहा या टीचर ने कहा या कहीं सुन लिए कुछ, उतने से ही नहीं, अपना एक मनन चिंतन होना चाहिए लगातार कि कुछ नहीं करना है आपको, जो है उसी को आप यथावत 3 बार बजाइए तो जो त्रिताल में साधारण टुकड़ा है वही आपका झपताल में चक्रदार आ जाता है। अगर त्रिताल में 5 आवर्तन की कोई रचना आपके पास है जिसका एक पल्ला 27 का होता है तो आप बड़े मजे से उसको 13 मात्रा में आप एक साधारण टुकड़ा जैसा बजा सकते हैं। तो 13 2 26 वो 27 में समा जाएगा। तो आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, त्रिताल की ही बंदिश को आप 13 मात्रा में बजा सकते हैं। इसमें एक इसी संदर्भ में एक बात और ये कह दूं कि जो पल्ले चक्रदार में जो एक पल्ला है उस पल्ले के अंत में धा का मान एक विश्राम के साथ होगा या नहीं होगा ये भी निश्चित है। मैं अपने कथन को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे 7 7 मात्रिका ताल है, 7 3 10 10 मात्रिका है, 13 और 16 ये इन तालों में जब आप चक्रदार की रचना का वादन करते हैं तब धा अपने आप में एक मात्रा में स्थापित होता है, इसमें अलग से विश्रांति नहीं होती। इसी प्रकार एक आगे की संख्या लीजिए 8 8 और 3 11 11 और 3 14 14 और 3 17 इनमें हर पल्ले के बाद एक मात्रे की विश्रांति आती। इसी प्रकार एक संख्या और आगे चले 9 9 3 12 12 3 15 और 18 इनमें हर पल्ले के बाद धा अंतिम धा उसमें 2 मात्रे का दम आता। अब ये अलग बात है कि वो 2 मात्रे का पूर्णतः दम ना देते हुए हम धा का मान आधा कर ले और बाकी बचे वर्णों को हम अपने 2 पल्लों में या 3 पल्लों में जोड़ लें तो वो भी उसकी एक सूरत बनती है। लेकिन एक सामान्य रूप से ये तय है कि 7 10 13 16 ये इसमें जब आप कोई चक्रदार बनाते हैं तो धा, उसके बाद कोई अलग से दम नहीं है। 8 11 14 17 इनमें एक मात्र का दम होगा और 9 12 15 और 18 में 2 2 मात्र की विश्रांति हो। तो ये जो चक्रदार के प्रकार हैं इसमें पहला प्रकार हुआ साधारण चक्रदार। अब हम बात करते हैं फरमाइशी चक्रदार। फरमाइशी चक्रदार भी वैसे ही रचना है कि मुखड़ा फिर तिहाई फिर मुखड़ा फिर तिहाई फिर मुखड़ा फिर तिहाई। परंतु साधारण चक्रदार से जो इसमें अंतर आ रहा है वो आ रहा है तिहाई के रचना की, और इसका सारा सौंदर्य उस तिहाई पर ही निर्भर करता है। और तिहाई की विशेषता क्या है
तो पहले पल्ले में तिहाई का पहला धातु संपर आएगा, दूसरे पल्ले में तिहाई का दूसरा धातु और तीसरे पल्ले में तिहाई का तीसरा या आखिरी धातु संपर आए। ये उस तिहाई की एक विशेषता है। और सूत्र वही रहेगा जो साधारण चक्रधार में हमने किया था कि ताल की मात्रा संख्या गुणित रचना की आवर्तन संख्या धन एक भागे तीन, इससे एक पल्ले का हिसाब आया। तो चक्रधार में चूंकि तिहाई की ये विशेषता नहीं दिखानी रहती, इसलिए आपका जो भी हिसाब आया, आपका 21 आया, आपका 27 आया, उसमें आप आनुपातिक दृष्टि से मुखड़ा और तिहाई का निर्धारण कर लेते हैं। परंतु फरमाइशी चक्रधार में चूंकि ये विशेषता दिखानी है कि पहले पल्ले में तिहाई का पहला था, दूसरे पल्ले में तिहाई का दूसरा था और तीसरे पल्ले में तिहाई का आखिरी धा संपर आएगा, इसलिए इसको एक पल्ला हिसाब निकालने के बाद फिर इसके तिहाई की भी एक हिसाब निकालना आवश्यक होता है। और ये न्यूनतम 5 आवर्तन में आती है। तो इसलिए अगर हम त्रिताल का उदाहरण लें तो 16 मात्रे का ताल गुणित 5 जो कि उस रचना की आवर्तन संख्या है प्लस 1, तो 16 पंजे 80 और 1 81, इसको 3 से भाग देंगे तो आएगी आपके लिए एक पल्ले का हिसाब आएगा 27। अब 27 में अब इस सूत्र का दूसरा भाग यहां लागू करना पड़ेगा कि इस 27 में कितने मात्रे का मुखड़ा होगा और कितने मात्रे की तिहाई होगी जिससे कि वो विशेषता दिखाई जा सके कि तिहाई के पहले पल्ले पहला धा संपर आया, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीसरा। तो जब आपके पास एक संख्या आ गई 27, अब 27 में हमें मालूम है कि पहला धा हमें 17वीं मात्रा पर लेना है क्योंकि तिहाई का पहला धा संपर आएगा, तो 16 तक आवर्तन समाप्त हो गई, 17 पर एक धा है। और आखिरी धा भी हमें मालूम है कि पल्ला समाप्त करना है 27 मात्रे पर, तो पहली धा जो है 17 पर और आखिरी धा 27 पर। तो मध्यमान निकालने के लिए 27 और 17 दोनों को हम जोड़ेंगे, इसका कि जोड़ आया 44, 44। अब इसको मध्यमान निकालने के लिए हम 2 से भाग देंगे क्योंकि हमको बीच की मात्रा में धा कहाँ आएगी वो निकालना है। तो अतः 27 और 17 इन दोनों को जोड़ 44 और 44 को 2 से भाग देंगे तो 22। तो क्या सिद्ध हुआ कि पहला धा 17 पर, 18, 19, 20, 21, 22, दूसरा धा 22 पर, 23, 24, 25, 26, 27, आखिरी धा 27 पर, यानी तिहाई का जो बोल होंगे या मुखड़ा होगा धा से पहले वो 4 मात्रे का होगा। तो अब 17 में अगर पहली धा आ रही है तो हमें उस धा के लिए भी 4 मात्रे की आवश्यकता है, अतः हम उल्टी गिनती से 16, 15, 14 और 13, इस 17वीं मात्रा पर जो धा है उसके लिए 4 मात्रा हम पीछे इसमें ले लेंगे। तो 13 से तिहाई शुरू होगी, यानी बचे कितने 12। तो त्रिताल के फरमाइशी चक्रधार का जो पल्ला है 27 का, उसमें 12 मात्रे के बोल होंगे और 15 मात्रे की धा सहित तिहाई होगी। इस तरह से वो 27 का हिसाब बनेगा और 27 तिहाई 81 और 16 पंजे 80 और 1 सम का 81। इस तरह से त्रिताल का जो एक फरमाइशी चक्रधार की रचना होगी वो इस आधार पर बनाया जाएगा कि 12 मात्रे का बोल होगा और 15 मात्रे की तिहाई होगी। एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। ता धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन
मैं थोड़ा इसको लय बढ़ा तीन तीन ना तक धिन दिन ना ना धिन दिन ना ना धिन दिन ना तीन तीन ना तक धिन बोल हूँ और पंद्रमा की तिहाई हुई इस तरह से खोल लिए। 27 का एक पल्ला हुआ और इसका जो न्यूनतम आवर्तन हुआ ये 5 का, और ये जो हिसाब है इसको आप हर ताल पर अप्लाई कर सकते हैं, हर ताल में ये लागू हो सकता है। अब इसमें एक बात आती है कि क्या अलग अलग मात्राओं से भी फरमाइशी करेंगे, तो आप कर सकते हैं। आप मान लीजिए अब हम दूसरी मात्रा से फरमाइशी चक्रदार, तो दूसरी मात्रा से करने के लिए कुछ बातें जो ध्यान में रखना है कि पल्ला 27 का ही रहेगा, तिहाई 15 की ही रहेगी, लेकिन मुखड़े में एक मात्रे का घटाव होगा क्योंकि हम पहली के जगह दूसरी से शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरी मात्रा से शुरू करेंगे तो वो जो मुखड़ा 12 मात्रे का था वो 11 का होगा, तिहाई यथावत 15 मात्रे की रहेगी, तो 15 और 11 26, और पल्ले के अंत में हमें एक मात्रे का दम देना होगा, तब जाके वो 27 का हिसाब पूरा होगा। इसी तरह से अगर आप दूसरी मात्रा से उठना चाहें तो अब आपका जो मुखड़ा 11 मात्रे का हो रहा था अब वो 10 मात्रे का हो जाएगा, तिहाई यथावत 15 की रहेगी, लेकिन अंत में 2 मात्रे का विश्रांति होगी, तब वो तीसरी मात्रा से उठेंगे, तब फरमाइशी चक्रधार आए। ये एक इसका स्वरूप बनता है कि अलग अलग मात्राओं से उठ रहे हैं लेकिन आवर्तन 5 ही है। अब इसमें एक ही हो सकता है कि आप 16 मात्रे तक जाके 17 पर पहली धा आप बता रहे हैं ना करते हुए आप एक आवर्तन पूर्ण रूप से और हो, यानी 16 फिर जो मूल 12 मात्रे का आपका मुखड़ा है वो, तो 16 और 12 28 और 15 की तिहाई यथावत रहे, तो ये एक स्वरूप बन सकता है फरमाइशी चक्रधार का कि आप हर पल्ले में एक आवर्तन बढ़ा लें। तो आपके पास 3 पल्ले हैं तो 3 आवर्तन बढ़ गए, तो न्यूनतम आवर्तन जो 5 का था और उसमें 3 जुड़ गए, अब वो 8 आवर्तन का है, और 3 जोड़ लेंगे तो 11 का आएगा। जो 5 का है उसमें अगर ठेके को द्विगुणित करते हैं तो वो 10 में आएगा, ठेके को आधा करते हैं तो 2.5 में आएगी। इसको कई प्रकार से सोचा जा सकता है, परंतु सामान्यतः ये होता है कि इसको 5 आवर्तन में ही बनाया जाता है। वो एस्थेटिक दृष्टि से हम ऐसा कह सकते हैं कि सौंदर्य की दृष्टि से अब 10 आवर्तन तक आप बजाएंगे, अब कहाँ पहला धा आया कहाँ दूसरा आया इतना ध्यान नहीं रहता, और 5 में अगर करते हैं तो बहुत इजी वे में दिखता है कि अच्छा ये सम पर आया पहला धा, दूसरे आवर्तन में दूसरा आ गया और तीसरे आवर्तन में तीसरा आ गया। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है, निश्चित रूप से और लोगों की और अलग विचार हो सकते हैं, कि न्यूनतम 5 आवर्तन रखने से उसके हिसाब को रखने और सौंदर्य की दृष्टि से ठीक रहता है, अन्यथा आप इसको अलग अलग आवर्तन संख्या में भी बना सकते हैं और फिर उसमें क्लिष्टता भी आती है। एक आवर्तन पूरा पूरा बढ़ा लिए तो जो 5 का है उसमें 3 आवर्तन बढ़ गए तो 8 का हो गया, तो यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 10 का करते हैं तो भी वो बहुत कड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी लय डबल हो जाती है ठेके की,
तो 5 आवर्तन में ही करना ज्यादा सौंदर्य की दृष्टि से ठीक रहता है, ऐसा हम मानते हैं। फिर कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन हम क्लिष्टता पे ज्यादा ध्यान दें कि अपने बजाने पे और सौंदर्य की तरफ ध्यान दें, ये एक बात है। और जो हिसाब त्रिताल के फरमाइशी चक्रधार में हो रही है, वही हिसाब ताल की मात्रा संख्या गुणित रचना की आवर्तन संख्या प्लस 1/3, ये आप दिगर तालों में भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप जप ताल देख लीजिए कि जप ताल 10 मात्रे का ताल है, गुणित 5 50 प्लस 1 51, 51 को आप 3 से भाग देते हैं तो 17। अब जो हिसाब त्रिताल में लगाया था वही हिसाब यहाँ लगाइए। पहला धा आपका आएगा 11 मात्रे पे, क्योंकि 10 मात्रे की ताल है, और आखिरी धा आएगी 17 मात्रे पे। दोनों को जोड़ेंगे, 17 और 11 28, 2 से भाग देंगे 14, यानी उस पल्ले में दूसरा धा 14 पे आएगी। अब कितने मात्राओं के अंतराल में धा आ रही है, उतना तिहाई का मुखड़ा होगा, तो आपका 11 पे धा है, 12 13 14 पे धा है, 15 16 17 पे धा है, तो दो दो मात्रे का मुखड़ा आ रहा है तिहाई में, तो 11 से पहले भी दो मात्रा हम ले लें तो 10 और 9, यानी 9 मात्रा से आपकी तिहाई शुरू होगी और 8 मात्रे का उसका मुखड़ा होगा। एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ, धिन ना धिन 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 ना तिन ना धिन 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 ना ये हिसाब अगर अपने पास है और इस हिसाब को हम समझ रहे हैं भली भांति, विशेष करके फरमाइशी की दृष्टि से कि कितने मात्रे की एक पल्ला आया, अब उसमें भी कितने मात्रे का मुखड़ा और कितने मात्रे की तिहाई होगी, तो आप हर ताल में फरमाइशी चक्रधार को अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें एक बात इस संदर्भ में और बताऊं, चूंकि ये विशुद्ध रूप से गणितीय रचना है कि तिहाई ही इसका सौंदर्य है, तो हम ऐसा मान रहे हैं या हमें ऐसा लगता है कि इसमें भाषा या व्याकरण का उतना महत्व नहीं है, बनिस्बत कायदा या गत इस प्रकार की जो रचनाएं हैं इनमें भाषा का बड़ा महत्व, वर्णों का महत्व। और फरमाइशी चक्रधार चूंकि इसमें उस तिहाई का सबसे महत्व है, इसलिए इसमें वर्णों का बहुत ज्यादा महत्व ना रखें तो भी चलेगा। हम सिर्फ ये दिखाएं कि देखिए तिहाई, पहले पल्ले का पहला धा आया, दूसरे में दूसरा आया, तीसरे में तीसरा आया। आप किसी भी रचना को उस गणितीय दृष्टि से अगर सही आ रहा है, जैसे आप मान लीजिए एक त्रिपल्ली खूब परंपरागत है, सब बच्चे बजाते हैं, दींग दींग तकिट तकिट धातक धिकिट कल तक दींग अब संयोग से आप देखिए 12 का मुखड़ा जा रहा है और 13 14 15 16 धा, जो हमें एक फरमाइशी के लिए आवश्यक है। तो ये भी एक तरह का इम्प्रोवाइजेशन है कि आप 12 मात्रा तक का वो बजाइए, और सिर्फ करना क्या है तो वो जो तिपल्ली गत है उसके आखिरी 4 मात्रे से ही आपको तिहाई बना लेनी है। तो उसका स्वरूप क्या बन रहा है, दिंग दिंग तकिट तकिट धातक धिकिट कतक दिंग धातक धिकिट कतक गद्दि घड़ नग दिंग दिंग तकिट तकिट धातक धिकिट कतक दिंग धा दिंग दिंग तकिट तकिट धातक धिकिट कतक दिंग धा दिंग दिंग तकिट तकिट धातक धिकिट कतक दिंग धा। ये 27 में आ गया। अब आगे उसको देखने की जरूरत नहीं, वो बराबर तिहाई के दूसरे पल्ले का दूसरा धा आएगा और तीसरे का आखिरी धा संपर आएगा। तो इसको हमने कोई फरमाइशी चक्रधार बनाना है करके इसके वर्ण संयोजन का ही नहीं किया, ये मात्रा के हिसाब से या गणितीय दृष्टि से आ रहा है इसलिए हमने इसको फरमाइशी के रूप में ले लिया। इसी तरह से हमने बहुत सारे गुणी कलाकारों को भी सुना है जो ठेके के माध्यम से भी फरमाइशी चक्रधार कर रहे हैं, जैसे
दिन तक दिन ना तो ना कत्ता तक दिन ना दिन दिन ना ना दिन ना दिन दिन ना दिन ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना था। तो बारह मात्रा कैसे जा रहा है, आड़ा चौताल को हम दुगुन में ले रहे हैं तो सात हुआ, झपताल को दुगुन में ले रहे हैं तो पांच है, बारह हो गए, और त्रिताल के ठेके से हम चार मात्रे का हिसाब बना रहे हैं तो बारह का बोल और चार की तिहाई। तो ये भी फरमाइशी चक्रधार के रूप में आ रहा है। इसमें वर्ण का इतना हम महत्व नहीं देख रहे हैं जितना कि उसके तिहाई का देख रहे हैं। प्रवीण जी को मेरी आवाज आ रही क्या? प्रवीण जी साउंड आ रहा है आपका? नहीं नहीं, हमसे बात हम आपसे जी जी हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे जी जी, जी समय जी। समय बताइएगा क्योंकि इसके बाद विदुषी इंदु जी का भी है, तो ऐसा ना हो कि हम कल जैसे राव साहब का चल रहा था पंडित जी का शाम 6 बजे तक, ऐसा नहीं चलना चाहिए। आप बताइए जी 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 नहीं आप अपनी बात कमाली तक पूरी कंप्लीट नहीं। हाँ तो ये फरमाइश मुझे लगता है फरमाइशी जो हमारे चक्रधार का दूसरा पल्ला था ये फरमाइशी हो गई। अब तीसरा और आखिरी पल्ले पे भी हम बात कर ले, वो है कमाली, बात करके कमाली में है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कमाली चक्रधार में क्या हो रहा है, सिर्फ तिहाई का स्वरूप बदल रहा है। जो हिसाब आप फरमाइशी के लिए रख रहे हैं कि 12 मात्रे का बोल और 15 मात्रे की तिहाई, आप उसी के आधार पर कमाली को बना सकते हैं। सिर्फ तिहाई का स्वरूप क्या परिवर्तित हो रहा है कि फरमाइशी चक्रधार में कुल 9 धा हो रहे हैं। पहले पल्ले में 3 धा है तिहाई के, दूसरे में 3 है, तीसरे में 3 है, कुल 9 हो रहा है, जिसमें पहला फिर पांचवा और फिर नौवां, संख्या की दृष्टि से ये सम पर आ रहे हैं। कमाली में क्या हो रहा है, एक ही पल्ले में 9 धा हो रहे हैं, तो दूसरे में 9 और फिर तीसरे में 9, यानी कुल 27 धा। संख्या की दृष्टि से देखें तो पहला फिर 14वां और फिर 27वां। स्वरूप कैसा बन रहा है कि पहले पल्ले में तिहाई के पहले पल्ले का पहला धा संपर्क, दूसरे पल्ले में तिहाई के दूसरे पल्ले का दूसरा धा संपर्क, और तीसरे में तिहाई के तीसरे पल्ले का तीसरा धा संपर्क। तो पहला 14वां और 27वां, इस तरह से तिहाई का स्वरूप और विस्तृत हो रहा है। और हिसाब जो है, सपोज हम 27 मात्रे के एक पल्ला त्रिताल में जैसा फरमाइशी में लिए थे वैसा कमाली में भी ले, तो उसका स्वरूप क्या बन रहा है, तो 12 मात्रे का बोल आ रहा है और 1 2 3 4 धा, हम एक ही धा का ये कर रहे थे फरमाइशी में, उसको हम 1 2 3 4 धा 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 धा, ये 3 3 3 यानी 9 धा एक ही पल्ले में आ गए। इसको बोलों से हम प्रयास करते हैं, तिन तिन ना तक धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना तक धिन धिन ना धृगड़ तक तगड़दा धृगड़ तक तगड़दा 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 धृगड़ तक तगड़दा ती टक तबा दी धृगड़ तक धृगड़ तक धा ती धा 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 ती धा 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 ती धा 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 धृगड़ तक तगड़दा धृगड़ तक तगड़दा 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 धृगड़ तक तगड़दा ती टक तगा दी धृगड़ तक धृगड़ तक धा ती धा 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 धाति धा 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 धाति धा 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 धा। वही 27 का एक पल्ला, वही कुल 81 मात्रा, वही 12 मात्रे का मुखड़ा, वही 15 मात्रे की तिहाई, सिर्फ स्वरूप बदला तिहाई का, जहां वो 3 धा से हो रहा था फरमाइशी में, वहां कमाली में आपको 9 धा का हिसाब करना है। और यही फॉर्मूले के आधार पर आप अलग अलग तालों में भी कमाली चक्रधार का भी वादन कर सकते हैं, बना सकते हैं, हिसाब वही रहेगा। सिर्फ आपको कहीं कहीं ये दिक्कत आती है, मैं विद्यार्थियों की दृष्टि से बताऊं, जैसे आप रूपक में बनाएंगे तो एक तो लघुमात्रिक ताल है तो अब उसमें 9 धा, तो फिर आप आराम से धा 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 करेंगे तो नहीं आएगा। तो ये
करत करत अभ्यास के, माने एक अनुभव से आपको ये आएगा कि गुरुजी वो आपने कल त्रिताल में बताया था धा 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 रूपक में तो आ नहीं रहा है, आवर्तन इधर उधर हो रहा है या पल्ले इधर उधर हो रहे हैं, तो आपको वो एडजस्ट करना होगा, वो ट्रैक्शन करना होगा। आप अगर उसका हिसाब देखते हैं रूपक में तो सात मात्रे का ताल है, सात पंजे 35 और एक 36, 36 को हम तीन से भाग देंगे तो 12, 12 में पहली धा जो है आपका आठवीं मात्रा पर है और आखिरी धा जो है 12 पर है, 12 और 8 20 माने 10 पे दूसरा धा आ रहा है, तो 7 8 9 10 कुछ कंफ्यूज किया कि 7 के बाद 8 9 10 11 और फिर 12 ऐसा आएगा दो मात्रा, तो आप दो मात्रा पहले भी ले लीजिए तो एक धा एक धा एक धा, अगर ऐसा आपके फरमाइशी का हिसाब आ रहा है 6 मात्रे का वो बोल जाएगा 1 2 3 4 5 6 एक धा एक धा एक धा, ये फरमाइशी का हिसाब आया। अब उतने में 9 धा करना है तो कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 धा 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 ऐसे ही आएगा। थोड़ा सा लय कम करे तो आपको और स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 धाती धा 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 धा, सीधे सीधे 9 धा एक साथ आएंगे तभी वो 12 में खत्म होगी और तभी उसको कमाली का जो भी हिसाब है कि पहले में पहला दूसरे में दूसरे का दूसरा तीसरे में तीसरे का तीसरा सम पर आना संभव होगा। प्रवीण जी मुझे लगता है चूंकि इसके बाद एक और व्याख्यान है और ये एक ऐसा विषय है कि इसको आप एक क्लास वाइज या 50 मिनट में हर चीज हर ताल का और हर प्रकार से सारी चीजें बता दें ऐसा संभव नहीं है, तो जितना विद्यार्थी के रूप में मैंने आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की है, जो भी भूल त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करेंगे। हमारे बहुत सारे विद्वत जन गुरुजन भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीच बीच में उन्हें मुझे मनोधारा दिख रहे हैं तो और थोड़ा वाणी अवरुद्ध होता जा रहा है, अभी तो हमने और बाकी लोगों के दर्शन हुए ही नहीं। तो प्रवीण जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा और बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत बहुत जो इतने सालों का जो आपका खैरागढ़ की जो तपस्या है, शिक्षण जो आपने अपने अनुभव किए हैं उसको बहुत बहुत ही संक्षिप्त में, और काफी लोगों बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं उन बच्चों से यही कहूंगा जैसे कि किसी ने पूछा है कि रूपक में कैसे होगा, तो ये फार्मूले के तहत बताया गया है, यदि ये फार्मूला आप हर हर ताल की संख्या के साथ वो फार्मूला जैसे ही आप ऐड करेंगे तो साधारण चक्करदार भी हो जाएगी, फरमाइशी के फार्मूला को जब ऐड करेंगे तो फरमाइशी हो जाएगी, कमाली के फार्मूले को ऐड करेंगे तो कमाली हो जाएगी। तो हमने इसीलिए एक एक झपताल का उदाहरण दिया और एक रूपक का, हमें फिर एक थोड़ा सा ध्यान आया कि थोड़ा बिल्कुल त्रिताल कहने से नहीं, थोड़ा झपताल और रूपक को भी हम टच कर ले, बाकी सभी तालों के लिए फॉर्मूला वही कॉमन है जी। आप बताएं। तो बहुत 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 आनंद आया और मुझे लगता है कि अब ये जो रचना करने की जो एक सिद्धांत तो इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि जो अपने हाथ में आए हुए जो रचना है उसको किस तरह से कमाली के रूप में, किस तरह से फरमाइश के रूप में, किस तरह से चक्करदार के रूप में हम कंपोज कर सके, तो आज आपके व्याख्यान से बहुत स्पष्ट हो गया कि चक्करदार का स्वरूप क्या होना चाहिए, फरमाइश का स्वरूप क्या होना चाहिए और कमाली का स्वरूप क्या होना चाहिए और उसका रचना सिद्धांत क्या है। तो बहुत बहुत हम आभारी हैं, अभी हम आपको धन्यवाद अभी नहीं करेंगे, आखिरी में हम दोनों व्याख्यान होने के बाद हम औपचारिक धन्यवाद करेंगे, तो पार्थ जी हम इसी तरह से आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे आपके ज्ञान का लाभ हमेशा लेते रहेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारी आज के व्याख्यान की विशेषज्ञ डॉक्टर इंदु शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, मैं उनका परिचय देता हूं। इंदु शर्मा विभागाध्यक्ष हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की और निरंतर
अपने कॉलेज में उनका एक तबले के प्रोग्रेस को लेके उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अभी मैं पिछले एक डेढ़ साल से देख रहा हूँ, लगातार कार्यशाला, लगातार व्याख्यानमाला आयोजित आप कर रही हैं महाविद्यालय में। तो इंदु शर्मा जी को मैं स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर इंदु शर्मा जी का जन्म 29 अगस्त 1976 को कासगंज उत्तर प्रदेश के एक साहित्यिक प्रिय परिवार में हुआ। प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपनी माँ श्रीमती उषा शर्मा से प्राप्त हुई। आरंभिक शिक्षा कासगंज तथा हाथरस में संपन्न हुई। सन 1995 में आपने तबले में स्नातक ऑनर्स से किया। तत्पश्चात सन 1997 में आपने मास्टर डिग्री प्राप्त की। सर्वोच्च अंक अर्जित कर मेडल के साथ दयाल बाग शिक्षण संस्थान आगरा से आपको उपाधि प्राप्त हुई। आप 1997 में नेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण की। तत्पश्चात 2004 में आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से उन्हें डीफिल की उपाधि से विभूषित किया गया। यूजीसी द्वारा शोध कार्य हेतु जूनियर एवं सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त है आपको। गायन एवं तबला में संगीत प्रभाकर, विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम एवं संगोष्ठी में सक्रिय सहभागिता एवं लेखन में आप रुचि रखती हैं। आप अभी वर्तमान में इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद से संबद्ध है, उसमें आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और विभाग की विभागाध्यक्ष भी हैं। मैं इंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं सभी तबले के जिज्ञासुओं को बात बताना चाहता हूं कि इंदु जी का जो काम है रिसर्च का, वो भारतीय फिल्म संगीत में ताल समन्वय, ये बहुत महत्वपूर्ण काम, बहुत मेहनत से आपने ये किया है और ये आपकी पुस्तक कनिष्क पब्लिकेशन से प्रकाशित भी हुई है। तो इसमें आपने फिल्मी जगत में जितने गाने हुए हैं उनके ऊपर इस तरह से ठेके लगे हैं और उसका पूरा विस्तार से वर्गीकरण करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। तो ये पुस्तक जो है भारतीय फिल्म संगीत में ताल समन्वय, ये पुस्तक का आप जरूर अवलोकन करें, इसे पढ़ें, ये बहुत एक उपयोगी पुस्तक है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपके सम्मान के लिए, आपके लिए दो शब्द के लिए मैं हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ और हमारी इंदु शर्मा जी को सम्मानित करें। उनका साउंड संगीता जी अनम्यूट करें। अपना आप बोले। अरे फिर बंद हो गया साउंड आपका। आवाज नहीं आ रही है संगीता जी। माइक आपने लगाया है ठीक से? वो ईयरफोन जी? मैम आप बोले, आपका साउंड आ रहा है। साउंड नहीं है, साउंड नहीं है भाई, साउंड नहीं है भाई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप आया। हेलो, मैं वाद्य विभाग की ओर से आज के व्याख्यान माला में डॉक्टर इंदु शर्मा जी का बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आपके सम्मान में मैं ये सम्मान पत्र पढ़ रही हूँ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा 28 जून से 8 जुलाई 2020 तक आयोजित इस
लय ताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यान माला में डॉक्टर इंदु शर्मा ने आपने उत्कृष्ट ज्ञान या वक्तव्य से संगीत जिज्ञासियों को अभिसिंचित किया। वाद विभाग आपके इस अमूल्य योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर इंदु शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आवाज आ रही? मुझे किसी में कोई आवाज नहीं आ रही। इंदु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी सर, आ रही है? हाँ, सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, थैंक यू। आवाज गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला विभाग के परम आदरणीय डीन सर प्रोफेसर राजेश सार जी को मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ और विभागाध्यक्ष मैम प्रोफेसर संगीता जी को सादर प्रणाम करती हूँ। तबला वाद्य विभाग के अध्यक्ष प्रवीण उद्धव सर को सादर अभिवादन करती हूँ और समस्त संकाय के सदस्यों को भी मैं अभिवादन करती हूँ। और अभी पार्थ सर ने इतना गणितीय सूत्रों पर आधारित अपना व्याख्यान दिया, बहुत ही उपयोगी, बहुत ज्ञानवर्धक था, तो मैं सर को भी प्रणाम करती हूँ, आप सभी को अभिवादन करती हूँ। और जो मुझे विषय मिला है वो है तबले की अविस्तारशील बंदिशों के सिद्धांत, तो मैं अपना व्याख्यान शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ और कोई त्रुटि हो तो क्षमा भी कीजिएगा। संगीत विभिन्न ध्वनियों को मिलाने वाली वह कला है जिसके द्वारा मनोभावों के प्रदर्शन में रोचकता, माधुर्य और सुंदरता आती है। संगीत कला में वादन, नृत्य तीनों का ही समावेश है और ये तीनों विधाएं तभी पूर्ण होती हैं जब इनमें लय और ताल ये निरंतर चलती रहे। अतः संगीत में ताल देने की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है और ताल देने के लिए तालवादियों का निर्माण समय समय पर होता रहा है। संगीत में लय नापने के साधन को ही ताल कहा गया है। विविध प्रकार के आघात में नादों से जो रचना बनती है और उसी से ताल की निर्मिति होती है और इसी ताल को प्रदर्शित करने के लिए ताल वाद्यों की आवश्यकता भी पड़ी। प्राचीन काल में प्रबंध और उसके बाद ध्रुपद धमार जैसी जोरदार गायकियों की संगत में पखावत से संगत होती थी। उसके पश्चात ईरानी और भारतीय संगीत के मिश्रण से विभिन्न श्रृंगारिक गायन शैलियां बनी और उसमें ध्रुपद धमार की जो उसकी अपेक्षा जो गायन शैलियां बनी वो ज्यादा श्रृंगारिक थी, तो उनके हिसाब से एक ऐसे वादी की जरूरत थी जो उस पर संगत कर सके और उसमें तबला बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। उसमें ठुमरी, टप्पा, गजल इत्यादि ऐसी गायन शैलियां थी, उनके साथ किसी मुलायम वादी के लिए तबला बहुत आवश्यक और उपयोगी ही सिद्ध हुआ। और तबले की ये परंपरा आज से लगभग पिछले 300 साल पुरानी है और अनेकों परिवर्तनों के बाद अपने इस वर्तमान स्वरूप और इसकी विशाल सामग्री के भंडार को ये संजो पाया है। संगीत के क्षेत्र में तबले की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसके कुछ प्रमुख कारण भी हैं। जैसे पहला कारण है कि इसकी ध्वनि में आंस और मृदुता है। इसमें चांटी होने के कारण इसकी ध्वनि में विशेष प्रकार की एक आंस है। स्याही होने के कारण गूंज होती है जिसके कारण दादरा, कहरवा, रूपक ऐसी चंचल प्रकृति की तालें बहुत ही सुंदरता से बजती हैं और आकर्षक लगती हैं। तो साथ ही संगत के लिए प्रयोग में आने वाली तालों में सुंदरता के साथ गायन वादन की संगत या साथ दिया जाता है। तबले के बोलों में ध्वनि की ध्वनि व आंस के सामंजस्य से ही
वजनदारी भी आती है जिससे बोल सुंदर और प्रभावशाली बजते हैं और सुनने में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। स्वतंत्र वादन प्रस्तुतिकरण के समय इसी कारण कि विस्तारशील व अविस्तारशील बंदिशों को सुंदरता के साथ घंटों बजाया जा सकता है। दूसरा कारण है लय, जिसके कारण तबला लोकप्रिय है। तबले पर प्रत्येक लय में वादन आराम से हो सकता है, चाहे वो विलंबित लय हो, मध्य हो, चाहे द्रुत लय हो। और फिर अगला कारण है इसका विपुल बोल भंडार। संगीत का विपुल बोल भंडार है। संगीत के क्षेत्र में आज तबले को जो उच्च स्थान प्राप्त है वो इसका विपुल भंडार ही है, क्योंकि अन्य तालों की तुलना में तबले का बोल भंडार बहुत अधिक विस्तृत है। विभिन्न प्रकार की विस्तारशील और अविस्तारशील बंदिशों का रचना वादन, ताल वादन इस पर किया जाता है। एकांत वादन अधिक लोकप्रिय भी हुआ है। सभी घरानों की वादन शैली और बंदिशों से उनकी पहचान होती है और हर घराने में भरपूर वादन सामग्री है जो उसकी विपुलता है, उसकी विशेषता है। फिर अगला कारण है कि संगत। संगत के लिए तबला बहुत उपयोगी वाद्य सिद्ध हुआ है, चाहे गायन की संगत हो, वादन की हो, नृत्य की संगत हो, सभी में तबला बहुत अधिक उपयोगी वाद्य है। और ख्याल, ठुमरी, टप्पा आदि गायन शैलियों के साथ सितार, सरोद, वायलिन, बांसुरी सभी वाद्यों के साथ, नृत्य के साथ बहुत ही सुंदरता और सुगमता से तबले से संगत की जा सकती है। और अगला कारण है कि बनावट। इसकी बनावट इस तरह की है कि इसको बजाते समय आप अपने अनुसार वाद्य का चयन कर सकते हैं। ये या तो बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं हो सकता ना नीचा होता है, आप अपने अनुसार इसको चयन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अब तो बहुत बहुत अनेकों धातुओं के भी वाद्य आ गए हैं, आप उसके हिसाब से अपना तबला चुनाव कर सकते हैं। दाहिने में गट्टे का प्रयोग के कारण इसको आप अपनी आवश्यकता से मिला भी सकते हैं सुरों में। और फिर अगला कारण है कि आवागमन में सुविधाजनक। तबले का आकार और बनावट इस प्रकार की है कि इसे आप सुविधापूर्वक कहीं भी ले जा सकते हैं। यही कारण है कि आज संगीत के क्षेत्र में तबले ने उच्च स्थान प्राप्त किया है और कलाकार अपनी कला को तबले की संगत के बिना अधूरा मानते हैं। चाहे गायक हो, वादक हो, नर्तक हो, सभी तबले को एक महत्वपूर्ण वाद्य मानते हैं। और इसी के साथ स्वतंत्र वादन के कार्यक्रम की भी अत्यधिक लोकप्रियता बढ़ गई है। एक विशेष बात यह है कि नवीन प्रयोग भी हो रहे हैं, जैसे संगत स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त फिल्म संगीत में तबले का प्रयोग हुआ है। फिल्म गीतों में असंख्यों ताल प्रकारों से गीतों को खूबसूरत बनाया गया है, सजाया गया है। ताल वादी कचहरी, तबला तरंग, ताल तरंग और तबला प्रधान नवीनतम प्रयोग हैं ये। आजकल दो दहेने भी स्वतंत्र वादन में प्रयोग हो रहे हैं, जैसे सुश्री अनुराधा पॉल जी को आपने देखा होगा कि वो दो तबले लेके बैठती हैं दाहिने, और सुंदर नाद संयोजन के लिए जैसे एक तबला मध्य सप्तक में एक तार सप्तक का ऐसी ध्वनि आएगी उसमें, तो ऐसे प्रयोग भी हो रहे हैं, वो सब तबले से ही हो रहे हैं। तो ये सभी कारक हैं जिनसे तबला उपयोगी वाद्य भारतीय संगीत का, और साथ ही इन्हीं कारणों से सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य भी बन गया है। तबले का विकास दो प्रकार से हुआ है, एक संगत के रूप में और दूसरा एकल वादन या स्वतंत्र वादन के रूप में। सोलो वादन के रूप में तबले की वादन सामग्री का विकास विशेष रूप से पिछले 200 वर्षों से हुआ है, और इस दौरान महान रचयिताओं और वादकों ने खास तौर से एकल वादन में बजाने लायक हजारों सुंदर बंदिशें बनाई। अधिकांश रचयिता तबला वादक पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने वादन सीखा और बंदिशें बनाई, और गुरुमुखी शिक्षा जो प्राप्त की उन लोगों ने, और वो इस तरह से बंदिशों का क्रम शुरू हुआ। इस प्रकार इस संदर्भ में आपसी विचार विमर्श, प्रतिस्पर्धा और गहन चिंतन के परिणाम स्वरूप वादन सामग्री का भंडार पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध होता चला गया। इसमें से कई बंदिशें गुरुमुखी विद्या रूप में प्राप्त हुई हैं, बहुत सी लुप्त भी हो गई जिन्हें लिपिबद्ध नहीं किया जा सका, परंतु जो भी सामग्री उपलब्ध है उसे सीखने और आत्मसात करने की प्रक्रिया में पूर्ण समर्पण भाव, लगन, परिश्रम और एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। एकल तबला वादन हारमोनियम या संगत पर लहरा दिया जाता है उसके साथ प्रारंभ करते हैं, और एकल तबला वादन अपने वादन का आरंभ जो तबला वादक है मुखड़े से करता है या उत्थान से करता है। इसके पश्चात सभी विस्तारशील रचनाएं क्रमशः पेशकार, कायदे और रेले बजाए जाते हैं, और इन सभी के पश्चात बात आती है अविस्तारशील रचनाओं की। तो सबसे व्यवहारिक बात यह है कि जब विस्तारशील बंदिशें तभी बजाई जाती हैं जब विस्तारशील बंदिशों को आप बजा चुके होते हैं और वो लय आप कायम कर चुके होते हैं कि
आपने विलंबित से वेश का शुरू किया और मध्य लय में आपने कायदे बजाए और तब द्रुत लय तक आपका मन स्थिति आपकी वैसी बन गई और आपका हाथ भी उस स्थिति के लिए तैयार हो गया। तो ये द्रुत लय में बजाए जाते हैं और जिस प्रकार गायन में बंदिशें बजाई जाती हैं, गाई जाती हैं, उसी प्रकार संगीत में गायन का ज्ञान रखने वाले प्रतिभावान अवनतवादकों ने प्रबंध गीतों का चिंतन मनन करके अवनतवादों से संबद्ध सौंदर्यपूर्ण विभिन्न बंदिशों की रचना की। उन्हीं रचनाओं को आज हम पखावज और तपले की विभिन्न बंदिशों के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला जो क्रम आया वो विस्तारशील बंदिशें और दूसरा अविस्तारशील में। अब अविस्तारशील बंदिशें विस्तारशील के बाद ही प्रस्तुत की जाती हैं। कभी भी केवल अविस्तारशील बंदिशें पहले नहीं प्रारंभ होती हैं। संगत में जरूर ऐसा होता है कि उनका प्रयोग भरपूर होता है और जिससे सौंदर्य उत्पन्न होता है, गायन रुचिकर और ज्यादा सौंदर्यपूर्ण होता है। या कोई हैं, वादन है, वाद्य वादन की है या नृत्य की है, तो उसमें भी अविस्तारशील बंदिशें भरपूर बजाई जाती हैं। संगीत में सम को महत्वपूर्ण घटक माना गया है। सम पर आने के लिए गायक या वादक ने जिस प्रकार मुखड़ा कान व तिहाई का प्रयोग किया होगा, उसी का अनुसरण करके अमृत वादकों ने टुकड़ा मुखड़ा मोहरा जैसी बंदिशों का विकास किया होगा। संगीत में कोई भी रचना या बंदिश लयबद्ध रूप में ही प्रस्तुत होती है। संगीत रचना के प्रस्तुतिकरण में ताल रूपी ठेका प्रमुख भूमिका निभाता है। ठेका सबसे आवश्यक है इसमें, कि बिना ठेके के आप कोई बंदिश बजा ही नहीं सकते। जब आपने ठेका कायम कर लिया, उससे ताल की पहचान हुई कि यह ताल है, हम इसमें इस रचना को प्रस्तुत कर रहे हैं और इस लय में कर रहे हैं, तो उस ताल की जो उसका ठेका है उसको उस द्रुत लय में कायम किया और उन रचनाओं को हमने प्रस्तुत किया। तो लयबद्ध इन रचनाओं का निर्माण विविध अक्षरों तथा शब्दों के द्वारा होता है। स्वर में अक्षर अर्थात जिन वर्णों में नाद का ठहराव हो, जैसे धा धी ता ती घे गे, गूंज युक्त वर्ण होते हैं, धागे दिन गिन तागे तिन गिन धागे दिन गिन धागे दिन गिन। गूंज रहित भी होते हैं, स्याही प्रधान वर्ण है, जैसे तिट तिरकिट तिट तिट धिट धिट। वाक्य प्रधान है, धा तिरकिट ता तिरकिट घेना तित धा तिट तिरकिट। और अविस्तारशील बंदिशों के अंतर्गत मुखड़ा टुकड़ा परन गत तिहाई चक्रधार ये सभी रचनाएं आती हैं। विस्तारशील रचनाएं ताल की प्रथम मात्रा से आरंभ होती हैं और अंतिम मात्रा पर समाप्त होती हैं, जबकि अविस्तारशील रचनाओं के लिए आवश्यक नहीं है कि वो प्रथम मात्रा से प्रारंभ हो, उनको बीच में से भी ले सकते हैं आप किसी मात्रा से, लेकिन जो वापस आएंगे वो सम पर आना अनिवार्य है और ये विशेषता दिखाती है सम की। जैसे इनकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, इनमें भरी और खाली के वर्णों का नियमित क्रम भी आवश्यक नहीं होता, आकर्षक रूप से सम पर आना ही इनकी प्रमुखता होती है। सोलो वादन के उत्तरार्ध में बजाई जाती हैं, पूर्वार्ध में विस्तारशील रचनाएं और उत्तरार्ध में जब द्रुत लय कायम हो जाती है तब ये बजाई जाती हैं। इनमें पढ़ंत की जाती है, जिस वजन से पढ़ंत करते हैं उसी वजन से ये बजाई भी जाती हैं। लखनऊ में नृत्य के बोल के कारण ही पढ़ंत की परंपरा भी आई है। केवल पेशकार तबले की रचना है, शेष सभी सामग्री कायदा रेला टुकड़ा परन तिहाई सब पखावज से हमें प्राप्त। ये भी रचना होती है जो बिना बोल पर्वत आके बोलों को हमको बढ़ाना रहता है, बस हमें ये निश्चित करना है कि हमको आना संपर ही है। जैसे एक 56 मात्रा का एक टुकड़ा है, मैं आपको बोल के बताती हूँ, तत्रिकट तक तात्रिकट तक धात्रिकट तक तत धा निधा निधा तत। लेकिन अगर आपको तीन ताल में बजाना है तो आप इसकी तिहाई में धा को बढ़ा सकते हैं, आप एक ताल में बजाएंगे तो उन मात्राओं को आप देखिए कि कितने आवर्तन की आपकी ये मात्राएं हैं, तो उन मात्राओं के अनुसार आप धा उसमें बढ़ा सकते हैं। हमने कर दिया तो ये ऐसा बोल है कि जिसको हमने बजाया आड़ा चार ताल में और इसकी जब धा में मात्रा हमने और ज्यादा बढ़ा दी तो हमने इसको तीन ताल में भी प्रस्तुत किया। तो 56 मात्रा को हमने 60 में किया तो एक ताल और झप ताल में, और 64 में किया तीन ताल। कि
उनको बनाकर आप दूसरी तालों में आप कैसे आता है कि मुखड़ा या मोहरा। मुखड़ा और मोहरा अविस्तारशील वर्ग की सबसे छोटी रचना है, फिर भी तबला सोलो वादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। मुखड़ा है कि ताल के ठेके के एक आवर्तन के अंतर्गत वर्णों से युक्त रचना है जो सम पर आकर मिलती है, और सम को आकर्षक बनाने या दर्शाने के लिए मुखड़ा बजाया जाता है। मुखड़ा छोटे से बोल समूह को कहते हैं जो बजाकर हम जैसे आवर्तन हमने ताल का ठेका लिया और उसके अंतिम मात्राओं में हमने बजाया और तुरंत सम पर आ गए, सम को आकर्षक बनाने के लिए मुखड़े का प्रयोग किया जाता है। अब अलग अलग जैसे चिंतन किया गया है, बहुत से विद्वानों ने अपने अपने विचार अलग तरह से दिए हैं। कोई बता रहे हैं कि मोहरा ज्यादा बड़ा होता है, मुखड़ा छोटा होता है, और जबकि मोहरा छोटा है या मोहरा कब बजाया जाता है, मुखड़ा कब बजाया। मोहरा जो है गायन की जैसे संगत करते हैं, जो गायक अपना गायन प्रारंभ करता है तो संगत का जब पता है कि हमें सम नहीं पता कि कहाँ है, और वो अपने मुखड़े को वो भी अपना प्रारंभ करते हैं, और उस प्रारंभ करते समय जब तबला वादक किसी छोटे से बोल समूह को लेकर उसी आवर्तन से आके दोनों एक साथ सम पर मिलते हैं, वो मोहरा कहलाता है। यहाँ श्री सत्यनारायण वशिष्ठ जी ने मुखड़े के विषय में लिखा है कि मुखड़ा बजाने में बड़े चातुर्य और सावधानी की आवश्यकता है। मुखड़ा ही तबला वादन के लय ज्ञान की कसौटी है। मुखड़े में जोर और वजनदारी रखनी चाहिए। मुखड़ा सम पर कुशलतापूर्वक मिलने के लिए होता है। जैसे ही मुखड़ा लेकर सम पर आते हैं, श्रोताओं के सिर स्वयं ही हिल जाते हैं कि हाँ अब सम आ गया। ये इसकी खासियत है। इसका एकमात्र कारण होता है कि जोरदारी, परंतु जोरदारी का उपयोग भी एक सीमित होना चाहिए, अन्यथा मुखड़े का माधुर्य एवं सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। ये विचार थे श्री सत्यनारायण वशिष्ठ जी के। अब प्रोफेसर गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी बताते हैं, उनके अनुसार है कि जोरदार बोलों की वह माधुर्य सौंदर्यपूर्ण रचना जिसका उपयोग सम से मिलने के लिए किया जाता है, ये तिहाईदार या बेतिहाईदार होते हैं। इसी क्रम में पंडित छोटेलाल मिश्र जी के अनुसार मुखड़ा या मोहरा का उपयोग अधिकतर गायन वादन की संगति में ही किया जाता है, क्योंकि जब गायक या वादक अपने स्वर अलंकारों की स्वर आवृत्ति समाप्त करके सम पर आने के लिए गीत का मुखड़ा पकड़ता है, तो तबला वादक भी जिन छोटे या छोटे से तिहाई या बिना तिहाई के बोलों का सम पर आने के लिए आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है, उसे मुखड़ा या मोहरा कहते हैं। श्री सुधीर माइनकर जी के अनुसार मुखड़ा तथा मोहरा को सम से मिलाने वाली रचनाएं मानते हैं। उनके अनुसार मोहरा का प्रयोग ठेका प्रारंभ करने के लिए ठेके के पूर्व किया जाता है, जबकि मुखड़ा अधिकतम एक मात्रा या एक आवर्तन की रचना है, एक मात्रा नहीं एक आवर्तन की रचना है जो ठेके के साथ अथवा उसके आरंभ होने के बाद भी बजाई जा सकती है। इसी क्रम में पंडित विजय शंकर मिश्रा जी के अनुसार मुखड़ा और मोहरा समानार्थी हैं और एक ही उद्देश्य से जुड़े हुए बोल होने के कारण आपस में कुछ भिन्नता रखते हैं, परंतु दोनों का आशय एक ही है, सम या ठेके का मुंह दिखाना। तबला वादक के लिए सर्वाधिक के लिए प्राय दो या तीन या चार मात्राओं में कुछ अनिश्चित बोलों का वादन करके सम पर आना, वही उस स्थान को पकड़ना कि हाँ अब सम आई। इसे ही कोई छोटा मुखड़ा कहता है तो कोई मोहरा कहता है। इसके अंत में एक तिहाई भी होती है। अब प्रोफेसर मुकुंद भाले जी के अनुसार मुखड़ा 4 से 8 मात्रा तक की मुलायम बोलों की रचना होती है जिसका प्रयोग सम पर आने के लिए किया जाता है। मोहरा ठेके के भराव के लिए होता है, मुखड़े से तिहाई होती है। किसी भी ताल का मोहरा एक आवर्तन से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये अलग अलग विद्वानों की धारणाएं हैं, सब में एक मत नहीं है, लेकिन आवश्यकता है यहाँ कि हम एक मत हो कि मोहरा बड़ा है या मोहरा छोटा है। अब उदाहरण के लिए एक मुखड़ा जैसे ताल में चल रहा है, दा दिन दिन धा दा दिन दिन धा दा दिन दिन धा दा दिन धा तू निकटता त्रिकट धा त्रिकट तकता त्रिकट धा त्रिकट तकता त्रिकट धा, सम पर आ गए, सम को दिखाया हमने। मुखड़ा दिखाना है। ऐसे छोटे छोटे बोलों को भी लगाते हैं, ताल चल रही है उसके अंतिम मात्राओं में हमने छोटे छोटे बोलों को प्रयोग किया, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा तिर तक तिरकट तक धा धिन धिन धा।
इस प्रकार मुखड़ा जो है वो एक छोटी सी रचना है, एक आवर्तन की रचना है। छोटे छोटे बोल समूह को बजाकर संपर आना, सम के सौंदर्य को दिखाना, उसको आकर्षक बनाना और संगत में इसका प्रयोग भरपूर होता है। और मोहरा, मोहरा भी एक छोटा ही टुकड़ा है, एक आवर्तन में बजाया जाता है, लेकिन उसकी विशेषता वही है कि गायन में जब गायक अपनी बंदिश को प्रारंभ करता है तो जिस तरह वो अपना मुखड़ा लेके सम पे आता है, तभी तबला वादक एक मोहरे के रूप में छोटा सा टुकड़ा बजाकर एक साथ दोनों आकर सम पर मिलते हैं और सम की सुंदरता को दिखाते हैं और ये पता चलता है कि हाँ ये सम हमारी। अगला बोल हमारा है टुकड़ा। टुकड़ा तबले की अविस्तारशील रचनाओं में छोटी किंतु महत्वपूर्ण रचना है। इसका प्रयोग तबले के सभी घरानों में होता है, परंतु इसके स्वरूप और लक्षण के विषय में विभिन्न घराने एवं विद्वान एकमत नहीं है। श्री सत्यनारायण जी के अनुसार टुकड़ा बजाने का सच्चा और स्पष्ट नियम है कि एक आवर्तन में एक ही टुकड़ा बजाया जाए। इससे टुकड़े का सौंदर्य, बंदिश की विशेषता एवं उसका सुंदर स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। यही पंडित छोटेलाल जी मिश्र के अनुसार टुकड़ा शब्द के अर्थ के अनुसार तबले में बजने वाली किसी भी छोटे बड़े बोल समूह को टुकड़ा कहा जाता है। टुकड़ा दो प्रकार का होता है, तिहाईदार और बिना तिहाईदार। टुकड़ा वह रचना है जो सामान्यतः एक आवर्तन में या अधिक से अधिक चार आवर्तन तक उसे बजाया जाए, जिसमें तिहाई भी हो। ये मुखड़े से बड़ा होता है और परन से छोटा और मुलायम या जोरदार भी हो। जैसे कुछ उदाहरण है तबले के मुखड़े में, मुखड़ा नहीं टुकड़े में, ये जोरदार बोलों की रचना होती है और जिसमें तिहाई भी होती है। जैसे दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन दा दा आना वही संपर है, लेकिन बोल जोरदार, छोटी सी तिहाई और एक बार में एक आवर्तन में आ गए। ये चक्रधार भी हो सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण देती हूँ। दा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन दा धा तिन अब जिस वजन से हम बोल रहे हैं उसी वजन से हमें बजाना भी है। उसके अकॉर्डिंग हम जब बजाएंगे तो वो सुंदरता आएगी और वो बोल बहुत अच्छा लगेगा, वो टुकड़ा एक अच्छा स्पष्ट होकर सुंदरता के साथ बजेगा। एक और बोल है अब जो तिहाई है वो भी जोरदार सी है, जो बोल है वो भी जोरदार। एक और धग तिट तग तिट कर धा कर से बड़ा और परन से छोटा हो, जिसके अंतर की संगत में टुकड़े का प्रयोग विशेष रूप से होता है। दिल्ली, अजराड़ा, फरुखाबाद घराने के टुकड़े अपेक्षाकृत छोटे और मुलायम होते हैं, जबकि बनारस के टुकड़े जोरदार होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो निष्कर्ष से हम कह सकते हैं जो तिहाईदार या बिना तिहाई के भी परन जो है मूलतः पखावज की रचना है, परंतु तबला वादन में इसका बखूबी प्रयोग हो रहा है। तबले की अविस्तारशील रचनाओं में एक सबसे बड़ी रचना है। डॉक्टर एम एल जोशी जी के अनुसार खुले एवं वस्तु है जो तबले में भी पखावज, रंगली आदि कई प्रकार की होती है। परन में धिट तिट धागे तिट गदिगन धुम किट थुम थुम दिन दिन आदि इस तरह के बोल होते हैं। प्रोफेसर गिरीशन श्रीवास्तव जी के अनुसार परन वास्तव में पखावज की चीज है, परंतु अब तबले में भी इसका प्रयोग बखूबी हो रहा है।
इसको एक विशेष प्रकार का खुला जोरदार और बड़ा टुकड़ा कह सकते हैं। इसकी बंदिश प्राय चार आवर्तनों या उससे अधिक की भी होती है और इसका अंत तिहाई से होता है। पंडित छोटे लाल मिश्र जी के अनुसार परन के मुख्य लक्षण है कि परन कम से कम दो आवर्तन का होना अनिवार्य है। इसमें बोल समूह को दोहराते हुए चलते हैं, ये तिहाई युक्त तथा तिहाई रहित भी होता है। अधिक आवर्तनों के परनों में बहुत से बोल बार बार प्रयुक्त होते हैं। परन के चार भेद इन्होंने बताए हैं, सात परन, गत परन, ताल परन, बोल परन और इसके अतिरिक्त जाति परन। परन दो प्रकार से बनाई जा सकती है, फरमाइशी परन और कमाली परन। पंडित विजय शंकर मिश्रा जी के अनुसार परन या परन मूलतः पखावज का बोल होते हुए भी आज न केवल तबला बल्कि कथक नृत्य के साथ भी अभिनेता से जुड़ गया है। क्योंकि ये पखावज का बोल है अतः स्वाभाविक रूप से इसमें गंभीर, खुले और जोरदार बोलों का प्रयोग होता है। ये टुकड़े की तरह रचना होते हुए भी आकार प्रकार में टुकड़े से बड़ा होता है। इसके बोल दोहराते हुए चलते हैं, इसके अंत में एक तिहाई भी होती है। परन के कई प्रकार होते हैं जैसे नुहक्का, चक्करदार, फरमाइशी, कमाली आदि। अब जैसे परन का उदाहरण फरमाशी परन का है, धा दिन धिंदा धा दिन धिंदा धा तिन तिंता ता दिन तिट ताका तिट धा धा तिट ताकिट तक तिट 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 कृधा तिट धागे तिट कृधा तिट धागे तिट कृधा तिट धागे तिट कत धा तिट धा कृधा तिट धागे तिट कत धा तिट धा कृधा तिट धागे तिट कत धा तिट धा। अब इसको तीन बार बजाएंगे तब ये संपर आएगी, लेकिन है फरमाइशी। अभी हमको पाठ सर ने इतने अच्छे से इसका गणितीय सूत्र बताया है कि फरमाइशी की और कमाली की किस तरह हम रचना कर सकें, बहुत ही अच्छी तरह बताया है सर ने। तो ये तो हुई हमारी फरमाइशी। एक कमाली का उदाहरण देती हूँ, धा दिन धिंदा धा दिन धिंदा धा तिन तिंता ता दिन धिट धा 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 त्रिकट धिट धा धा तिन नकट नक त्रिकट तक ता त्रिकट धिट धा किन्ना ता त्रिकट धा 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 त्रिकट धिट धा किन्ना ता त्रिकट धा 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 त्रिकट धिट धा किन्ना ता त्रिकट धा धा धा। इसको भी हम तीन बार बजाएंगे तब ये संपर आएगी और ये कमाली है। इसके तीनों पल्लों में तीन तीन धा आएंगे और जो अभी विशेषताएं कितनी अच्छे से सर ने बताई हैं वो सभी इसमें समाहित हैं। तो परन जो है पखावज का एक वादन प्रकार है, पूर्ववाज का प्रयोग है ये, लेकिन तबले में बखूबी इसका प्रयोग हो रहा है। इसमें बोलों को दोहराते हुए चलते हैं और बोलों से ही हम हर अविस्तारशील बंदिश को पहचानते हैं। जो उनका एक सिद्धांत ये है कि जो बंदिश है उसकी जो पहचान है वो सब भिन्नताएं कैसे हों वो बोलों से होती हैं। तो इसमें बोलों को जैसे क्रम के हिसाब से बोल चलते हैं, धागे तिट तागे तिट कृधा तिट धागे तिट गद गण नागे तिट दिट दिट, तो इस तरह जो है और इन्हीं बोलों को दोहराते भी हैं। तो ये क्या है, एक बोल जो है ऐसे समूह में जो रचना है जिसको हम दोहरा भी रहे हैं, उसमें तिहाई भी है और द्रुत लय में इसका वादन हो रहा है और इसके बोल जो है जोरदार हैं और कमाली, फरमाइशी, साधारण तीनों प्रकार की परन। अगला बोल है गत। गत मूलतः तबले की अविस्तारशील बंदिशों में शुद्ध तबले की ही बंदिश है, जिस प्रकार परन पखावज की मूल बंदिश है। काव्य में जो स्थान कविता या पद्य का है वही स्थान तबले की बंदिशों में गद्य का है। लय की गति में सुंदरता पूर्वक छंदों का वर्णन या गति को ही गत कहा गया है। पूरा पाज में गतों का बहुतायत प्रयोग होता है। फरकावादी गते आज फरद गत, अकाल की गत, कमाल की गत, मंझितार गत। अपनी रचनाएं की हैं उनके हिसाब से वो नाम उसमें जुड़ते गए और वो उनकी अपनी कल्पनाशीलता थी, अपने सृजन से उन्होंने इतनी गतों का निर्माण किया। तो स्वतंत्र वादन में गतों का अत्यधिक महत्व होता है। विभिन्न प्रकार के संयुक्त बोलों से युक्त यह एक विशिष्ट रचना है जिसे एक बार धा से तथा दूसरी बार ता से बजाया जाता है। ये तिहाई युक्त या तिहाई रहित भी हो सकती है। जैसे एक उदाहरण है, एक बार धा से एक बार ता से, गत का उदाहरण बताती हूँ। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा तिन तिन ता ता दिन दिन धा दिनक दिन धा गिन तिनक दिन गिन धा त्रिकट धा त्रिकट धा त्रिकट तक ता त्रिकट तकट तकट दिन धा गिन तिनक दिन गिन धा त्रिकट धा त्रिकट धा त्रिकट तक ता तिनक तिन धा गिन तिनक दिन गिन धा त्रिकट धा त्रिकट धा त्रिकट तक ता त्रिकट तकट तकट दिन धा गिन तिनक दिन गिन धा त्रिकट धा त्रिकट धा त्रिकट तक ता त्रिकट तक धा।
एक पल्लव धाका और दूसरा ताका। तो ये एक, ये जरूरी नहीं है कि एक पल्लव धाका ही और दूसरा उसका ताका ही हो। ये गत की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग उसके नामकरण जो हुए हैं उनके हिसाब से हैं, ये उसी हिसाब से इनका सृजन हुआ है, उसी तरह ये रचनाकारों ने इनको बनाया है, उनका निर्माण किया है। अब गतों को भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया, शुद्ध गतें और मिश्र गतें। शुद्ध में सीधे सीधी जो चलती गई और मिश्र में जो जिन्होंने जातियों पर जो आधारित रही। शुद्ध गत जो होती है वो प्रारंभ से अंत तक एक ही निश्चित लय में रहती है, जबकि मिश्र गत जो होती है वो अलग अलग लयों में चलती है, उनकी लय जो है परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक बार में दुपल्ली है, दुपल्ली में जो लय पहले लेंगे उसकी ही दुगुण करेंगे, दूसरी गत लेंगे दूसरा ही उसका जो बोल लेंगे उसकी लय को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तिपल्ली में तीन प्रकार की, तो जो नामकरण हुए हैं वो लयों के अनुसार हुए हैं कि दुपल्ली है तो दो प्रकार की लय, तिपल्ली है तो तीन प्रकार की लय। एक मैं दुपल्ली का आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। धिट धिट धागे तिट क्रधा तिट धागे तिट धा ता धा धागे तिट धा ता धा धागे तिट धा ता धा धिट धिट धागे तिट क्रधा तिट धागे तिट धा ता धा धागे तिट धा ता धा धागे तिट धा ता धा। बहुत सुंदर रचना है ये। तो इसमें जो पहली लय हमने ली धिट धिट धागे तिट दुगुन की लय चली, उसके बाद तुरंत उसको हमने चौगुन की लय में परिवर्तित किया, लेकिन यहाँ बोल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो बोल हमने लिए हैं उन्हीं बोलों को हमने दूसरी लय में प्रस्तुत कर दिया और दोनों मिलाकर दुपल्ली हो गई। तिपल्ली में तीन प्रकार की लय दिखाते हैं, जैसे तिट कत गधि गन धा तिट कत गधि गन धा तिट कत गधि गन धा। तीन प्रकार की लय हो गई, पहली था की ही लय चल रही है तिट कत गधि गन धा, दूसरी आ गई तिट कत गधि गन धा तिट कत गधि गन धा दिन दिन या धा दिन दिन धा, उस लय में भी आप दे सकते हैं। अब एक उदाहरण है मंजेदार गत का। मंजेदार मतलब उसमें विभिन्न प्रकार की लय समाहित है, उसमें तरह तरह की लयों को एक साथ लिया गया, जैसे धा दिन दिन धा दिन दिन धा तिन तिन ता ता दिन धा धागे ना तिट धा धागे ना तिट धा तिट धा तिट धा धागे ना तिट कड़ान कड़ान धा तिर किट तक धा तिर किट तक धा तिर किट तक धा तिर किट तक प्लान धा धा तिर किट तक धा तिर किट तक धा तिर किट तक प्लान धा धा तिर किट तक धा तिर किट तक धा तिर किट तक प्लान धा दिन धा धा दिन धा धा तिन तिन। तो ये मंजेदार गत, इसमें हमने त्रिगुण की भी लय दिखाई, आड़ लय दिखाई, उसको फिर हमने चौगुन में भी ले लिया धा तिर किट तक धा तिर किट तक तक्रां तक्रां। बीच बीच में बोल जो है हर तरह की लय मिश्र तरह से आई और उसको हमने मंजेदार गत उसका नाम दिया। तो विभिन्न प्रकार के बोलों की वह रचना जिसको बजाने में हाथ फंसे नहीं, द्रुत लय में बजती चली जाए और पढ़ंत करने में या बजाने में छंद की तरह या कविता की तरह लगे, वही गत कहलाती है। तबला विद्वान श्री सुधीर माइंडकर जी के अनुसार गत की संकल्पना को व्याख्या में व्यक्त करना मुश्किल काम है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वांग सुंदर प्रतिपादन प्रकार है। गत परण की संकल्पना से निर्माण हुई, टुकड़ा कोई अच्छा गणित वादक कर सकता है किंतु गत प्रतिभावान शायर वादक ही कर सकता है। गत की संज्ञा दी गई है, थी श्री सुरेश हरिदास सर जी हैं, तो उनसे हमने सीखी थी। उसमें ये कितने तरह के प्रयोग हुए कि फर्द गत है, तो उस फर्द गत में क्या है कि दो ग्रुप आपस में थोड़ी सी लड़ाई हुई, फिर और तेज लड़ाई होने लगी, दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तक तक दिन 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 दे सॉरी कारण है। वाकई बहुत सुंदर रचना है जो प्योर एकदम पूर्णतः शुद्ध तबले की ही रचना है। अब अगला क्रम है हमारा तिहाई।
तिहाई भारतीय संगीत की महत्वपूर्ण रचना है। यह केवल तबले की बंदिश है लोक संगीत सभी गवर्नृत्य में तिहाई की बौद्धिक विलक्षण गतिमक गणितात्मक सृजनात्मक विकास उसका दिखाई देता है। तो कलाकार की कल्पनाशीलता सांगीतिक प्रतिभा और तत्परता ताल व लय पर अधिकार सभी तिहाई की रचना में परिलक्षित होते हैं। गायन विधा में छोटी छोटी तिहाइयों का प्रयोग होता है जबकि वादन तथा नृत्य में तिहाइयों के विविध रूप व क्लिष्ट प्रकार भी रचे जाते हैं। जब किसी एक ही रचना को धा सहित तीन बार बजाया जाता है जिसका तीसरा धा संपर आए उसे ही तिहाई कहते हैं। तबले की विस्तारशील रचनाओं का अंत या विश्रांति सदैव तिहाई से ही होती है, नहीं तो वो रचना चलती रहे। अगर पेशकार है उसमें तिहाई नहीं आएगी तो पेशकार ही हमें चलते रहना पड़ेगा, उसका विस्तार ही करते रहेंगे। लेकिन जब तिहाई आ जाती है तो एक अंदाजा कि हाँ अब ये पेशकार यहाँ विश्राम ले रहा है, अब अगला बोला है, अगली बोल सामग्री हमें प्रस्तुत करनी है। कायदा चल रहा है, कायदे में हमने उसका विस्तार किया पलटों से, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आके जब सारे क्रम हमारे जितने भी हमने जो उसकी रचनाएं ही पलटों की विस्तार किए उसके बाद हमें तिहाई से ही उस कायदे का अंत या विश्रांति करनी पड़ती है। रेले में भी तो विस्तारशील रचनाओं में तो तिहाई बहुत महत्वपूर्ण है ही, गायन में भी है, तंत्र वाद्यों में भी है। तिहाई एक मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण संगीत का एक तत्व है कहना चाहिए। तो तिहाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय संगीत में। संगीत प्रतिभा और तत्परता ताल व लय पर अधिकार सभी तिहाई की रचना में स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कलाकार ने किस तरह की तिहाई की रचना की है। जब किसी एक ही रचना को हम बजाते हैं, एक बोल समूह है उसको हमने तीन बार बजाया और उसमें धा भी है, लेकिन तीसरे धा पर हम सब पर आए वही तिहाई हमारी कहलाएगी। तिहाई दो प्रकार की होती है, दमदार और बेदमदार। तो जो दमदार तिहाई है उसमें आदि मात्रा से अधिक का धा उसमें लगता है, जैसे धागे तिट तागे तिट धा, धागे तिट तागे तिट धा, धागे तिट तागे तिट धा। ये एक छोटा सा उदाहरण है, और भी अन्य तालों में सभी तालों में तिहाई बहुत खूबसूरती से बनती है। तो दमदार तिहाई में आधी मात्रा से जब अधिक के धा हम लगा रहे हैं, एक भी हो सकता है, डेढ़ भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वो उस बोल की रचना पर निर्भर है कि हम किस तरह का बोल निर्माण करना चाहते हैं। तो वो धा जो है जो दम लेगा वो उस तरह का होगा, लेकिन अगर आधी मात्रा से अधिक है तो वो तिहाई दमदार ही कहलाई। और बेदम में ठीक इसके विपरीत, अधिक से अधिक आधी मात्रा का धा, उससे अधिक हो गया तो दमदार हो गई। बेदमदार में अधिक से अधिक आधी मात्रा का धा तो वो बेदम तिहाई होगी। धागे तिट धागे तिट धा, धागे तिट धागे तिट धा, धागे तिट धागे तिट धा। छोटे से एक उदाहरण मैंने दिया है तिहाई का। तिहाइयों का प्रयोग दिल्ली बाज में प्राय मुक्त वादन की समाप्ति पर होता है और तिहाइयों के प्रदर्शन से तबला वादक की विद्वता का सहज ही अंकन हो जाता है। इस प्रकार तिहाई गायन वादन व नृत्य सभी में प्रयोग होने वाली आवश्यक बोल बंदिश है। सौंदर्यतापूर्ण सम प्रदर्शित करने के लिए, सम को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने, बोलों व बंदिशों में चमत्कार और सौंदर्य प्रकार उत्पन्न करने के लिए तथा तबला स्वतंत्र में विश्रांति प्रदान करने के लिए, जिससे एक बंदिश पूर्ण हो तब आगे की नई बंदिश बजाई जाए आदि रूप में वादन के प्रारंभ में विस्तारशील बंदिशों का दान करने में अविस्तारशील बंदिशों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनमें मुखड़ा टुकड़ा परन गति हाई आदि सभी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो मैं यही अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ सर से। मैं सर मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आ रही है आवाज। जी सर, जी धन्यवाद सर।
हाँ इंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके सर। व्याख्यान में आपने काफी विद्वानों के विचारों का संकलन बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और एक एक चीज हमारे दिमाग में आई कि क्यों ये एक इसके ऊपर एक परिसंवाद होना चाहिए, परिभाषाओं के ऊपर, इन सब परिभाषाओं के ऊपर जो जो विद्वानों ने कहा है उसमें जी कम सर, से कम आपके जी? मेरी आवाज आ रही है जी, अब आ रही है जी, हाँ, जी कि एक परिसंवाद होना चाहिए इन सब परिभाषाओं के ऊपर, क्योंकि सब लोगों विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषाएं कही है और ये विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा संकलन आज आपने प्रस्तुत किया और हम लोग जल्दी ही इन बिंदुओं पे एक परिसंवाद बीएचयू के माध्यम से रखेंगे। तो ये बहुत आज आपका ये एक बहुत उपयोगी व्याख्यान हुआ। मैं आज के दोनों व्याख्यान के आभार के लिए मैं आज पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा उर्फ बम्बम, जो हमारे बनारस के ही रहने वाले हैं और वर्तमान में पंजाब यूनिवर्सिटी में कई वर्षों से कार्यरत हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे हमारे दोनों विद्वानों का आभार व्यक्त करें। आप हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं, आपने यहीं से बैचलर और मास्टर डिग्री तबले में पंडित छोटेलाल जी मिश्रा जी के निर्देशन में किया है, आप उन्हीं के शागिर्द हैं। तो मैं निवेदन करता हूं महेंद्र प्रसाद शर्मा जी से कि वे दोनों हमारे आज के अतिथि विद्वानों का आभार प्रकट करें। हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी जी। सभी गुणजनों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ और संगीत विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स, टीचर्स और उनके सहयोगी सभी को मैं नमस्कार करने के साथ सभा में उपस्थित कलाविदों को नमस्कार करते हुए सर्वप्रथम मैं आभारी हूं प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी, जिन्होंने मुझे आज के वक्ता को धन्यवाद करने का अवसर दिया है। आज के लय ताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यान माला के अंतर्गत डॉक्टर पार्थ चक्रवर्ती जी प्रथम सत्र में उन्होंने चक्रधार के प्रकार एवं उनके रचना सिद्धांत विषय पर बड़े ही तार्किक गणितीय सिद्धांत के द्वारा साधारण चक्रधार, फरमाइशी, कमाली चक्रधार आदि को बहुत ही सरल भाषा में व्याख्यान प्रस्तुत किया। विश्वास है कि इस व्याख्यान से विद्यार्थीगण, शोधार्थी व अन्य लाभान्वित होंगे। और द्वितीय सत्र में डॉक्टर इंदु शर्मा जी, द्वितीय सत्र में इन्होंने दिए गए विषय के साथ न्याय करते हुए तबला वाद्य के विविध आयामों को, जिसमें तबला वाद्य बनावट संगति के रूप में तबला, स्वतंत्र वादन के रूप में तबला, चित्रपट संगीत में तबला व अन्य तबला वादन की टेक्निकल टर्म्स जैसे मुखड़ा, मोहरा, टुकड़ा, चक्रधार, फरमाइशी, कमाली चक्रधार, गतों के विभिन्न रूप आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से अपने व्याख्यान में प्रस्तुत किया। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रसाद शर्मा और संगीत विभाग, संगीत एवं मंच विभाग, मंच कला संकाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह से आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। ओवर टू प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। थैंक यू, थैंक यू। आज का ये व्याख्यान माला का जो दूसरा कड़ी था बहुत महत्वपूर्ण था। आज हमारे विद्यार्थियों ने चक्रधार के रचना सिद्धांतों के गणितीय सूत्र को बहुत अच्छे से स्पष्ट जी जी समझा, और मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थी इस सूत्र को लेके काफी अपनी रचना शक्ति को बढ़ाएंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। क्या हमारे डॉक्टर पार्थ जी ने इतना बढ़िया ढंग से उसको उन्होंने उसको डिफाइन किया है जी। और बाकी मैडम डॉक्टर इंदु शर्मा जी ने भी अपने अच्छा संकलन प्रस्तुत किया में। जी 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 जी। और ये संकलन इतने जरूरी है संस्थागत शिक्षण प्रणाली में क्योंकि इनके ऊपर विचार हो, क्योंकि अभी बिल्कुल होना चाहिए। यस, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ दो तरह के वो हैं, एक है जो विद्वत संगीतज्ञ हैं और दूसरे जो प्रोफेशनल हैं। हाँ जी। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि कम से कम आपस में समन्वय बना रहे। हाँ। इसलिए ये जरूरी भी है जी। और ये इतनी बढ़िया गणित की जो भाषा इन्होंने बताया है पार्थ जी का, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये स्टूडेंट्स और शोधार्थी ये सबको बहुत फायदा इससे मिलेगा। मुझे लग रहा है कि इस तरह के और भी सेमिनार होते रहना चाहिए, वेबिनार अब तो कह सकते हैं जी। और सबसे बड़ी चीज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रवीण उद्भव जी, संकाय के प्रमुख, और लोगों को सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार जी। मैं भी सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो अंत इतना आखिरी समय तक भी 2 घंटा हमारा पूरा होने वाला है और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रजरानी शर्मा जी, डॉक्टर वेणु वनिता जी, प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी और डॉक्टर राहुल स्वर्णकार जी, प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी, डॉक्टर वेणु वनिता जी, पंडित अच्युतराम भंडारी जी और काफ़ी विद्वान ही विद्वान मैं इसमें देख रहा हूँ। हमारे यहाँ के पूर्व छात्र अजय शर्मा और काफ़ी विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सकारात्मक दिशा की ओर ये व्याख्यानमाला बढ़ रहा है और आप सब लोगों का ये सहयोग है, इसके लिए मैं विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे ये व्याख्यानमाला आपको 3 विषयों का व्याख्यानमाला भी वर्तमान में चल रहा है, 10:30 बजे से सितार का शुरू होता है और उसके बाद 1:30 बजे से संगीत शास्त्र विषय पे हो रहा है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे हर व्याख्यानमाला का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें और हम कल फिर सुबह के सितार व्याख्यान का आनंद लेंगे, उसके बाद 1:30 बजे संगीत शास्त्र के विषय पे हम अपना ज्ञान अर्जन करेंगे और उसके बाद फिर 4 बजे पुनः तबले के विषय के ऊपर हम एक नए विषय के साथ हमारे व्याख्यानमाला को आगे बढ़ाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ हमारे विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख, बहुत व्यस्ततम होने के बावजूद भी मैं जान रहा हूँ कि तीनों व्याख्यानमाला में पूरे पूरे समय रहना और अपने विभागीय कार्यों को और संकाय के कार्यों को संचालित करते रहना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप दोनों प्रोफेसर राजेश शाह जी और प्रोफेसर संगीता सिंह जी हमारे पूरे व्याख्यान वाले में हमारे साथ रहे, हम आपके विशेष आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। आपका मार्गदर्शन में ये व्याख्यान वाला हो रही है और हमारे दोनों विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर हमारे पार्थ चक्रवर्ती जी, उनको भी बहुत बहुत फिर पुनः धन्यवाद देते हैं क्योंकि वे कल भी पूरे समय जुड़े रहे और आशा है आप आगे भी हम लोगों के साथ रहेंगे। इंदु शर्मा जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आप कल भी थी और आगे भी हमारे साथ रहेंगी। मैं सभी विद्वानों को और सभी प्रतिभागियों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, कल पुनः हम मिलेंगे, नमस्कार।